हेलो 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 क्लैशी रोमी जी, कैसे हो? स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया। देखिए, हम दे रहे थोड़ा क्या थोड़ा वो दे रहे हैं। वो CW वाला अटैक दे रहे, तो थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए अटैक को, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, जल्दी से जाओ, डिफेंस सिस्टम को जल्दी से ख़त्म करो। तो अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार मिले इस बेस के अंदर से तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वाला अटैक जाए। दिमाग लगा कर अटैक दे रहा हूँ, ऐसा जो मैं नहीं देता, बट फिर भी 2 स्टार तो मिल ही चुका है हमको। मुझे लगा ही था कि 2 स्टार से ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस थोड़ा सा टफ था। और देखिए,
कुछ बाकी है कुछ जगह, और वो तोड़ कर हम इस अटैक को ख़त्म करते हैं। तो अटैक हो चुका है ख़त्म, चलिए वापस चलते हैं। और क्लैश ऑफ डोमी जी, अगर आप अभी स्ट्रीम को देख रहे हो तो वेलकम टू द स्ट्रीम, ठीक है? और कैसे हो ब्रो? और स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो हमको थोड़ा कमेंट कीजिए और हमको पता चल जाए कि आप स्ट्रीम देख रहे हो, स्ट्रीम के अंदर हो आप, है ना? तो क्लैश ऑफ डोमी जी, मैं यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ आप एक कमेंट कीजिए। तो नर्वो एलियस हमारा क्लैन है अजमा। नर्वो एलियस सॉरी ब्रो, हम नहीं नहीं आ पाएंगे एकदम से, सॉरी ब्रो, कुछ माइंड मत कीजिएगा। आपने पहले भी बोल पहले पहले शायद नहीं बोला था, और आप बोल रहे हो इस टाइम पे कि आपके क्लैन में जाने के लिए। देखिए, हम CWL के अंदर है ना, हम CWL के अंदर है, इस क्लैन के तरफ से हमने पार्टिसिपेट किया CWL में, तो हम तो नहीं आ पाएंगे, सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी। बहुत सारे बंदों ने हमको बोला है, बोला पहले भी कि उनके क्लैन में चला जाओ, उनके क्लैन में आने के लिए, बट हमने एक ही चीज़ बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमको प्लीज़ माफ़ कीजिए। नर्वो एलियस जी, कुछ माइंड मत कीजिएगा प्लीज़ ब्रो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप हमको कुछ करने के लिए बोलो तो हम ज़रूर से करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो काम आपका कर पाए, है ना? एक बार क्लैन दिया हमारा क्लैन होने एक बार लो। अरे भाई साहब, विपुल जी कैसे हो ब्रो? स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, वेलकम टू द स्ट्रीम। और स्ट्रीम मैंने कुछ देर पहले चालू किया, तो स्ट्रीम में आप लोग बहुत ही जल्दी आए हो, हमको बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, तो थैंक यू उसके लिए कि स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, ठीक है? और विपुल जी कैसे हो, आपका दिन कैसा गया हमको बोलिए। और आप जो स्ट्रीम के अंदर आए हो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और नर बोले आप बोले भीख मांगसी ना जस्ट कैजुअली जीएस कलर ना भीख को, तो आमित आमी बोले जितनी भीख मांगछो, আমি বলেছি যে এর আগে আমাকে অনেকজন বলেছে সেটাই, আমি তাও যাইনি এই ক্ল্যানটা ছেড়ে, কারণ কি ক্ল্যানটা ভালো লেগেছে আমার, তার জন্য আমি ক্ল্যানে আছি, তাই না? এবার তুমি কিছু মাইন্ড করো না, যদি ডোনেশন যদি লাগে বা অন্য কোনো কাজের জন্য যদি তুমি আসতে চাও এই ক্ল্যানের ভিতরে, নিশ্চয়ই আসতে পারো, ঠিক আছে? ওকে, অনেক বড় ইউটিউবার আছে। আরে ও মশলা নেই নার্ভো এলিয়াস জি, ও মশলা নেই ব্রো। ও এক চিজ হ্যাঁ না কি আম কি এক কেই বলতে হয় উসকো এগজাম্পল কে তোর পে লে লিজিয়ে, আপকো এক সোসাইটি পছন্দ আ গে ইয়া ফির এক জগা পছন্দ আ গে, ঠিক হ্যায়? उधर आपने देखा एक घर, ठीक है? एक घर देखा, वो आपको बहुत पसंद आया और उस घर को आप खरीदना चाहते हो, है ना? और आप खरीद भी लिए वो घर, आप खरीद भी लिए घर, घर को खरीदने के बाद उधर आप रहने लगे, वो जगह आपको बहुत पसंद है, ठीक है? अगर दूसरा कोई बंदा आके आपको बोलता है कि, ठीक है, अगर दूसरा कोई बंदा बाहर से आके आपको बोलता है कि यह जगह, मतलब ये जगह हमको बहुत अच्छा लगा, ये घर हमको बहुत अच्छा लगा, बेच दीजिए, आप ये करोगे क्या?
नहीं करोगे ना? तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको नहीं जाना ब्रो इधर से। अच्छा मैं आपका दिखा देता हूँ, मतलब आप बोल रहे हो कि आपका डोनेशन दिखाने के लिए, हम दिखा देते हैं आपका डोनेशन, कोई इशू नहीं है। अच्छा ब्रो आपको डोनेशन तो बहुत ही गजब का है ब्रो, 31,000 का आपका डोनेशन है और ट्रूप्स रिसीव उसके कंपेयर में बहुत ही कम है, और क्या ही बढ़िया डोनेशन किया। और आपका जो क्लैन का लेवल है लेवल 11 है, ये आपका अब आईडी है ओके, और आप किस लिंक में हो ब्रो, और आपका जो हीरोज आपके पास जो हीरोज है, मेरा लाइफ रूट अलग है जो जो किसी से मैच नहीं करता। ओके बहुत ही बढ़िया। सेज मशीन आपके पास देखिए सभी के सभी अवेलेबल है, और हीरोज आपके पास चार ही मतलब तो पूरे के पूरे अवेलेबल है, चार ही हीरोज तो हमको मिलते हैं सीओसी के अंदर, ये सीओसी हमको चार हीरोज ही देते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं देते। तो ये आपके पास हीरोज और ट्रूप सेक्शन में जो जो ट्रूप आपके पास अवेलेबल है, कुछ ट्रूप के बारे में मैं बोल देता हूँ ठीक है। आपने वैसे नहीं बोला था कि इसका रिव्यू करो, बट कोई बात नहीं हम कर देते थोड़ा सा ठीक है। लेवल 8 का माई सेकेंड आईडी कदम जी, ओके वो भी दिखाएंगे हम। लेवल 8 के लून है आपके पास, लेवल 9 का आपके पास विजर्ड, लेवल 3 का माइनर, लेवल 4 का इलेक्ट्रो ड्रैगन स्वेल आपके पास जो है, लेवल 5 का लाइटनिंग, लेवल 3 का हैस्ट और लेवल 6 का आपके पास डेज। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, आपका बेस कैसा है हम जाके देख के आते हैं ठीक है। तो ब्रो ये आपका बेस है बहुत ही अच्छा वाला बेस आपने बना के रखा है, ईगल आर्टर आपके पास लेवल 4 का है तो बहुत ही बढ़िया है ईगल आर्टर का लेवल, और टाउन हॉल का लेवल 13.3 स्टार है, बहुत ही बढ़िया ब्रो बहुत ही बढ़िया। और स्कैटर शॉट जो आपके पास है वो है लेवल 2 का ठीक है, और इधर देखिए एक्सबा लेवल 5 का, थोड़ा सा रुक जाइए, एक्सबो लेवल 5 के, उसमें एक्सबो तो मैंने बोला है, उधर टार आपके लेवल 10 का है, कैनन लेवल 15 का, उसके बाद जो आर्चर टार आपने रखा है अपने बेस के अंदर वो लेवल 15 का, मोटर का लेवल भी बहुत ओपी है लेवल 10 का मोटर है, तो बेस तो बहुत ही गजब का बनाया है ब्रो, और वॉल्स के लेवल भी बहुत अच्छे हैं ठीक है। तो आपने बोला था अच्छा आपको हीरोज आपको आपको जो हीरोज हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ठीक है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट दिन स्ट्रीम चालू किया था तब से ही मैं ये काम कर रहा हूँ हीरोज़ को दिखाना, तो अब भी मैं दिखा देता हूँ इन हीरोज को थोड़ा सा। ये था आर्चर क्वीन और बार्बेरियन किंग, बार्बेरियन किंग किधर गया, शायद बीच में कहीं होगा या फिर भाई साहब किंग किधर गया, अच्छा अच्छा इधर है ओके। तो चलिए आप क्लैन के अंदर चलते हो, आपने बोला कि आपका दूसरा आईडी है उसका नाम है कदम जीबी, कदम जीबी नाम से शायद एक ही आईडी है इधर है, अच्छा अच्छा ठीक है एक ही आईडी है बहुत ही बढ़िया। तो इस वाले आईडी को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं है ना, अच्छा ये वाला आईडी भी बहुत गजब का है, इधर आप चैंपियन लीग पे और आपका जो ऑल टाइम बेस्ट है इधर वो है टाइटन लीग, और क्या ही नाम है इधर बहुत ही खतरनाक नाम रखा है आपने कदम बजी भी भाई साहब, बहुत ही भारी भरकम नाम है। उसके बाद हीरोज आपके पास 3 हीरोज अवेलेबल है, सेज मशीन आपके पास 3 है, 3 ही अवेलेबल है, और सभी के सभी लेवल जो उन सेज मशीन के हैं वो लेवल 2 का सेज मशीन है आपके पास, हीरोज का लेवल है 52 का, 53 का, और लास्ट वाला है चाचा चाचा का लेवल है ग्रैंडेड चाचा का लेवल 22 ओके। ट्रूप्स आपके पास बहुत सारे, लेवल 8 का आपके पास है लून, लेवल 8 का विजर्ड है, लेवल 5 का माइनर, लेवल 3 का इलेक्ट्रो ड्रैगन और लेवल 4 का लावा है आपके पास, स्पेल आपके पास जो है इस वाले अकाउंट के अंदर लेवल 8 का आपके पास लाइटनिंग स्पेल है, लेवल 7 का हीलिंग और उसका लेवल 7 का फ्रीज है, लेवल 5 का है हैस्ट स्पेल। तो फिर चलते विच का लेवल कितना था, अच्छा लेवल 4 का है, तो विजिट करते जाके आपका बेस दिखाते थोड़ा सा आपका बेस कैसा है। भाई साहब इधर क्या हुआ है मोबाइल, ओके तो ये आपका बेस है देखिए बहुत ही बढ़िया बेस अपने बनाया है, ग्रैंड वार्डन को हम दिखा देते थोड़ा सा, अगर इनका स्किन होता ना भाई साहब तो बहुत ही अच्छा लगता, बट आप ले भी सकते हो वो जेम्स को यूज़ करके ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो है ना। और ये आपके पास है बार्बेरियन किंग जी हमारे, और आपके पास जो एयर डिफेंस है लेवल 10 का, उसके बाद लेवल 16 का कैनन है, कैनन का लेवल तो बहुत ही गजब का आपने करके रखा है, और कैनन बहुत पावरफुल भी दिख रहा है इस लेवल में, और आर्चर टावर लेवल 15 का ठीक है, और मोर्टर है लेवल 10 का इधर, और एयर डिफेंस लेवल 10 का इधर, विजर्ड है आपके पास जो है लेवल 10 का, और विजर्ड टावर बोलते हैं उसको
बॉम्ब टावर है लेवल 6 का, ठीक है। और वॉल का लेवल भी बहुत बहुत खतरनाक वाला है, बहुत धुआंधार वॉल वॉल्स है आपके पास इस आईडी के अंदर। लेवल 12 का है वो, सी क्वीन। अच्छा क्वीन किधर गया, क्वीन हम देख लेते थोड़ा सा। ओके ओके ओके, बीच में क्वीन सो रही है, बहुत ही बढ़िया। शायद वो शायद ये कोई अटैक दे के आई है तो उसके लिए सो रही थी। और क्वीन का जो स्किन है वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। इनका नाम इधर ऑटम्स क्वीन है। इनका स्किन तो बहुत ही गजब का है ब्रो, बहुत ही गजब का स्किन है इनके पास, एकदम खतरनाक वाला। और थोड़ा रॉयल रॉयल लुक दे रहा है ये वाला स्किन, थोड़ा सा रॉयल लुक दे रहा है स्किन के ऊपर। बहुत ही फिट है, बहुत ही जच रहा है ये वाला स्किन, सॉरी क्वीन के ऊपर बहुत ही जच रहा है ये वाला स्किन। रॉयल लुक है स्किन का, तो बहुत ही बढ़िया परचेस किया ब्रो। ओके तो इधर थोड़ा सा डेकोरेशन आपने किया हुआ है, इधर है आपके पास स्टैचू ऑफ पेक का, उसके बाद और 3 स्टैचू है उनके जो नाम है वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। इधर देखिए स्टोरी स्टैचू है आपके पास, इधर है आप ही सब बर्थ का, उसके बाद आपने रखा है एंशियंट स्कल, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आपने उधर डेकोरेशन करके रखा है। उसके बाद तो बीच बीच में इधर उधर है ही, इधर उधर आपने इधर रखा है ग्लोई लैंटर्न, उस तरफ रखा है वैकेंट टॉम। तो बहुत ही अच्छा वाला बेस आपने बनाया है। और इधर देखिए आपने रखा है जेम बॉक्स, तो जेम बॉक्स आप एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारे जेम्स मिल जाएगा, जेम्स मिल जाएंगे उधर से, ठीक है। और आर्मी कैंप का तो लेवल भी बहुत बढ़िया वाला है, लेवल 10 का आर्मी कैंप है। ओके तो फिर चलते हैं वापस। ओके आप क्या ही बोल रहे हो। देखो मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि फॉर किंग आई नीड चैंपियन किंग, फॉर क्वीन वॉरियर क्वीन, फॉर वार्डन ग्लैडिएटर वार्डन, वार्डन ऑफ द नॉर्थ। अच्छा वार्डन ऑफ द नॉर्थ तो ब्रो चला गया, आपको ले लेना चाहिए था, या फिर वो आपको मिलेगा बाद में, आप हमको बोलिए। और चैंपियन किंग वो किंग का वो स्किन बहुत ही गजब का है, वॉरियर क्वीन मैंने वो देखा हुआ है ना, वो क्वीन का वो स्किन बहुत ही अच्छा वाला है, बहुत खतरनाक स्किन है वो क्वीन का, वॉरियर क्वीन। हमको बहुत ही अच्छा लगा वो वाला स्किन। तो उस स्किन आप जब खरीदोगे, ठीक है, उस स्किन खरीदने के बाद और एक बार आइएगा हो सके तो इस चैनल के अंदर, ठीक है, और हमको दीजिएगा आपका बेस का आईडी, हम जरूर से दिखाएंगे आपका बेस। जैसे मैंने ये फालतू स्किन में खर्चा, अच्छा, ओके 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 ब्रो, ओके कोई बात नहीं, आप बचा के रखिए वो, बाद में वो वाला स्किन ले लीजिएगा। और वो वाला स्किन भी बहुत गजब का है, किंग का स्किन भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं किंग का स्किन बुरा है, बट उनका भी स्किन बहुत खतरनाक है। अच्छा, आपने लिखा है कि 22 सब टहल पर एक सेट धान हम नीचे आ जाओ। ओके, हाँ, एल्फायर एक्स तो अनेक ही सपोर्ट करे छिले, एल्फायर एक्स ने बहुत ही सपोर्ट किया था उस वक्त जब हमारे सब्सक्राइबर के नंबर बहुत ही कम थे, है ना। तो ज़रूर से आइएगा, ठीक है, जब आप वो स्किन खरीद लेते हो, खरीदने के बाद ज़रूर से आइएगा। वो जेम्स से खरीदते हो या फिर पैसे से आप खरीदते हो, जिससे भी आप खरीदो, बट उसके बाद एक बार रिव्यू के लिए आइएगा इस वाला चैनल के अंदर। ओके सोहन बड़ी जी, कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम आने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले ही मैंने स्ट्रीम को चालू किया तो आप आए, हम तो आप आए स्ट्रीम के अंदर, तो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रीम को कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब हम चले जाएंगे हमारे साथ ही चले जाइएगा स्ट्रीम से। ओके और आज आज का दिन आपका कैसा गया, आप क्या क्या किया आज के दिन में, आपके साथ क्या स्पेशल हुआ आज, हमको बोलिए सोहन बड़ी जी, है ना। यो ब्रदर क्या ही साइन दे रहे हो, क्या ही ओपी साइंस दिखा रहे हो ब्रो,
ओपी। और क्या ही बोलूँ, बोलिए आप हमसे कुछ पूछिए या फिर हमने जो पूछा उसका आंसर दीजिए कि आपका आज का दिन कैसा गया, आप क्या किए आज, कुछ स्पेशल किए हो या फिर कुछ और किए हो। अच्छा इनको, अच्छा, डोनेशन मिल गया इनको पूरी तरीके से। चार अच्छा, कुछ और ट्रूप्स यूज़ करते हैं ना आज, कुछ और ट्रूप्स यूज़ करते हैं अटैक में, जो मल्टीप्लेयर अटैक वाला हम कुछ देर के बाद देंगे, उधर कुछ और ट्रूप्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कौन सा ट्रूप्स यूज़ करके हम अच्छा वाला स्टार ले पाते हैं। 3 स्टार अगर हो पाए उस वाले ट्रूप से तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लूट मिले तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो एक जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट करना ही होगा, स्टार या फिर लूट। सत्यम शाह, अरे भाई लाइव कॉम्पेनियन जी, क्या ही करते हो ब्रो, क्या ही करते हो, बहुत ही गजब, बहुत अच्छा लगता है भाई साहब जब ये आप ये करते हो ना ऐसा एकदम बढ़िया है ब्रो, थैंक यू ब्रो इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और अगर ऐसा ही सपोर्ट बना के रखते हो आप तो बहुत ही बढ़िया लगेगा हमको। और जो कोई भी स्ट्रीम के अंदर नया आए हैं, मतलब मैं आप लोगों का जो नाम है वो ले लेता हूँ एक बार से, जो कोई भी मैं नहीं बोलूँगा। आशीष जी स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यम जी स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइव कॉम्पेनियन जी आप तो हमारे दोस्त हो ही, तो आपको क्या ही बोलूँ, आपको आपको भी हम बोल देते हैं कि स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, वेलकम टू द स्ट्रीम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमसे रोज़ स्ट्रीम हो पाए, है ना। तो प्लीज़ हमको थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और हमारा जो गंदा वाला, मतलब गंदा वाला एकदम टट्टी वाला हिंदी है उसको थोड़ा सा सुनिएगा अगर हो पाए तो, है ना। और अगर आप विजिट करना चाहते हो अपना बेस, ज़रूर से दीजिएगा आपका बेस का आइडिया, हम ज़रूर से विजिट करेंगे इधर। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो, और लाइक भी कर दीजिएगा इस स्ट्रीम को, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने एक छोटा सा प्यारा सा एक गोल रखा है 400 सब्सक्राइबर का, तो अगर हो सके तो जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए वो वाला गोल, फुलफिल करा दीजिए वो वाला गोल। तो देखिए ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप लोग करना चाहते हो वो वाला गोल कंप्लीट या फिर नहीं। ओके तो लाइफ कॉम्पेनियन जी, आप तो उस वक्त आए थे, उसके बाद चले क्यों गए, एकदम से आए और एकदम से फटाक से चले गए। और ये वाला ट्रूप हम यूज़ कर रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा ग्राउंड अटैक करने की कोशिश में है, क्योंकि ग्राउंड अटैक में हम बहुत ही वीक हैं। ओके हमको विज भी चाहिए। वीरज बंकर जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम मैनेजर बहुत ही शुक्रिया। ये जो स्ट्रीम मैंने चालू किया शायद कुछ ही मिनट्स हुए हैं, और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ये स्ट्रीम चालू किया, उसके तुरंत बाद ही आप लोग आ जा रहे हो स्ट्रीम के अंदर, आके हमारे साथ बातें करने के लिए आ रहे हो और एंटरटेनमेंट के लिए भी आ रहे हो, तो उसके लिए बहुत से शुक्रिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप स्ट्रीम के अंदर आए, है ना। तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को। और टूअर गेमिंग जी गुड नाइट बोल रहे हो, ठीक है ब्रो गुड नाइट, हमको पता है कि तब आपने, मैंने जो वो जो इवनिंग टाइम पे एक स्ट्रीम किया था उधर आप आए थे, तो कोई बात नहीं, आपने बोला था कि आप चले जाओगे इस वक्त इस टाइम पे, तो ओके ब्रो गुड नाइट टूअर गेमिंग जी, कल अगर हो सके तो ज़रूर से आइएगा। ओके आके क्या कीजिएगा, आके हमारे साथ थोड़ा सा बातें कीजिएगा। अच्छा आप क्या बोल रहे हो, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपका कमेंट। पता है ज़िंदगी की सबसे खुदी चीज़ क्या है, ये हर दिन एक जैसा ही होता है, खुदी चीज़ क्या है ये हर दिन। सोहन बारिक जी ये तो मुझको पता नहीं कि ज़िंदगी ये हमको देता है या फिर नहीं जो आप बोल रहे हो, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से बोल देना चाहता हूँ
आप जैसा आपका दिन बनाओगे है ना, आप जैसा चाहोगे कि आपका दिन जाए उसी तरीके से ये जिंदगी आपको वैसा दिन देगा, वैसा डे देगा हर एक दिन, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप वो वाला दिन कैसे बिताना चाहते हो, उस दिन के अंदर आप क्या करना चाहते हो, है ना। अगर आप कुछ खास करना चाहते हो तो ज़रूर से आपका जो वो दिन है वो ज़रूर से खास वाला जाएगा। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, आपका जो एफर्ट है वो अगर आप लगाते हो तो बहुत ही ओपी वाला दिन जाएगा। अगर आप बैठे रहते हो सिर्फ, अगर कुछ नहीं करते हो और छोड़ देते हो ये ज़िंदगी के ऊपर, तो आपको तो पता ही है क्या होता है। मुझे फेब्रुअरी का मंथ पसंद नहीं है, क्यों ब्रो सोन? ओ मुझे लगता है वो वाला मैटर है ना, उसके लिए आपको फेब्रुअरी का मंथ पसंद नहीं, जो हमारा 14th फेब होता है उसके लिए ना, या फिर कुछ और हमको बोलिए। प्रपोज डे और मैं खुद को ही प्रपोज बहुत ही बढ़िया, हमको पता ही था ब्रो, इसके वजह से आपको फरवरी मंथ उतना पसंद नहीं, मुझको लगा ही था कि यही रीजन है। क्या ही गजब ब्रो, क्या ही गजब। आज दिन भर घर में ही बैठा, अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन तो आपका बहुत ही खराब जाएगा। हमारे लिए भी ये 2-3 दिन उतना ही है, उतना ही खराब है जो जितना आपके लिए है, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, आपका जो हाल है, वो हमारे तरह ही है ना। तो ब्रो सेम सेम है हमारा हाल, हमारा कंडीशन। ओके, तो क्या क्या स्पेल हम ले सकते हैं, क्या स्पेल हम ले, हमको थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि ये वाले ट्रूप्स के साथ हम कौन सा स्पेल ले, कौन सा स्पेल अच्छा रहेगा ये वाले ट्रूप्स के साथ। 2 गोलेम लिया है मैंने और 26 है इधर बॉलर्स। पूर्वा क्या बोलते पब्लिक, कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आए हो ब्रो, बहुत दिनों के बाद आए हो, और स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आते ही, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या हाल चाल है आपका, ये जो पब्लिक है हमारे स्ट्रीम के अंदर वो तो बहुत ही ओपी है, बहुत ही मजाकिया है भाई साहब सभी लोग। और आप कैसे हो, हम तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, आप थोड़ा सा सीक्रेट रहना पसंद करते हो। और पूर्वा आप कैसे, हमको बोलिए है ना, और आप कहाँ से रहते हो वो भी बोलिएगा। फेब्रुअरी के मंथ में हम रैंक पुश करते हाँ एकदम सही, एकदम सही ब्रो। सोन बारिक जी, आप सीओसी के अलावा कौन सा गेम खेलते हो ब्रो, हमको जरूर से बोलिएगा। ओके अच्छा, 2-3 जंप्स पे ले लेते, देखते स्पेल से क्या ही काम हो सकता है। ठीक है जंप्स पे ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला स्पेल हम यूज़ तो नहीं करते, बट बीच बीच में हमको यूज़ करना चाहिए ये वाला स्पेल, क्या पता किसी दिन काम आ जाए ये वाला अटैक। तो उसके लिए हमको रेडी रहना होगा। मैं गेमिंग से संन्यास ले लिया क्यों ब्रो, आप गेमिंग से संन्यास क्यों लिए, अगर गेमिंग से संन्यास ले ही होते, अगर ले लिया ही होता तो ये स्ट्रीम क्यों देख रहे हैं ब्रो, ये तो स्ट्रीम भी तो गेमिंग वाला है ना। ओके, मैं गेमिंग से ही, गेमिंग से आपने संन्यास लिया, बाबा जी हो गया हो क्या, और संन्यास क्यों लिया, आप तो गेम अभी भी खेलते हो और आप बोल रहे थे कि आप रैंक पुश कर रहे हो, और रैंक पुश तो गेम में ही होता है ब्रो, उसके मतलब आप गेम खेल रहे हो, कोई ना कोई गेम तो खेल ही रहे हो। फॉर हेल्पिंग यू मैसिव
राहु बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, दिल जीत लो तो ये सब बोल के। ब्रो कहाँ से स्ट्रीम कर रहे हो? ब्रो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। ब्रो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो मेरा जो हिंदी है वो आपको सुन के थोड़ा सा लगा ही होगा कि हमारा हिंदी थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा उसमें पावर नहीं है, दम नहीं है उस हिंदी के अंदर। तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ ब्रो, वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ मैं। नहीं लाइफ में रैंक पुश कर बहुत ही बढ़िया सोहन जी, क्या ही बोल रहे हो, लाइफ का रैंक पुश ब्रो। और सोहन जी आपका एज कितना था? आपने बोला था आपके एज के बारे में, बट वो बहुत ही पहले बोला था आपने, तो हम भूल चुके हैं। हमको फिर से एक बार दोबारा बोलिए तो बहुत ही बढ़िया होगा, है ना? ओके अच्छा, मेरा एज 17 है। ओके बहुत ही बढ़िया। तो आप कुछ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलते हो क्या? आप कहीं पे कुछ प्रैक्टिस करते हो, मतलब एथलीट, या फिर आप फुटबॉल खेलते हो क्या, या फिर आप कोई फुटबॉल मतलब क्लब में खेलते हो क्या, या फिर क्रिकेट कहीं पे सीखते हो? और मेरी हर डायमेंशन से जिंदगी ले रही है भाई साहब। अरे ऐसा नहीं सोचते ब्रो, ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। आप जिंदगी को दे रहे हो अपना लेने के लिए, तो वो तो लेगा ही। आप उसको चांस बना दे रहे हो कि हाँ, आप बोल रहे हो उनको कि हाँ जिंदगी आ मेरा ले ले, थोड़ा सा मेरे पीछे थोड़ा आके मार दे। तो अगर आप उनको चांस दोगे तो वो जरूर से आपको मारेगा ही ना। ये वाला अटैक शायद टट्टी हो गया। सोन ब्रो लाइफ तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि मार्च को एग्जाम्स है। ओके मार्च में आपको एग्जाम भी है। ओके एग्जाम का तो थोड़ा सा अलग ही पंगा है ब्रो, एग्जाम हमको भी उतना पसंद नहीं, किसी को भी एग्जाम पसंद नहीं होता है क्योंकि एग्जाम होता ही एकदम गंदा, बट देना तो होगा ही ब्रो। अगले क्लास में वो लोग आपका मुंह दिखा के नहीं उठा देंगे, उठाएंगे। अगले क्लास में प्रमोट होने के लिए आपको एग्जाम देना ही होगा, है ना? और गुलशन जी कैसे हो ब्रो? स्ट्रीम में आने के लिए, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया ब्रो। और कुछ ही देर पहले मैंने स्ट्रीम चालू किया, तो देख लीजिए स्ट्रीम को थोड़ा सा, तो हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और देख लीजिए, नहीं प्लीज़ ज़रूर से रहिएगा स्ट्रीम के अंदर, है ना? और हमको सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। ओके ऐसे स्ट्रीम में आते रहेगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो स्ट्रीम के अंदर। तो वेलकम टू द स्ट्रीम गुलशन जी, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं वेलकम टू द स्ट्रीम। और ये वाला अटैक शायद बहुत ही ओपी वाला गया। हाँ ये वाला अटैक ओपी वाला गया। मेरे इधर तो स्ट्रीम ठीक ठाक ही चल रहा है पूर्वा जी। बिल्कुल भाई, हाँ देखिए इन लोगों का स्ट्रीम बहुत ही ओपी तरीके से जा रहा है, इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। गुलशन कुमार जी को भी एकदम ठीक ठाक आ रहा है स्ट्रीम, वो भी अच्छी तरीके से देख पा रहे, और शायद सोहन जी भी देख पा रहे ठीक ठाक तरीके से। और आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ब्रो, और इधर भी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। आप थोड़ा सा वो कर लीजिए, क्वालिटी कम कर लीजिए, ठीक है? स्ट्रीम का क्वालिटी थोड़ा सा घटा लीजिए, और उसके बाद शायद आपका स्ट्रीम अच्छा हो जाएगा, मतलब आप देख पाओगे अच्छी तरीके से। बट की भी टीनियर ओके अरे भाई साहब, हाँ एग्ज़ाम का तो थोड़ा पंगा है, हमारा भी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास है, और हमको भी उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो देखते हैं क्या ही कर पाते हैं, शायद एक दो दिन हमको स्ट्रीम ऑफ भी करना पड़े उस एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या ही कर सकते हैं, ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का तो प्रेशर अलग ही होता है, हमको पता है, क्योंकि हमारा जो 12th का एग्ज़ाम है वो हमने दिया, और अब तो हम कॉलेज में हैं, तो 12th का एग्ज़ाम कितना ओपी है, कितना खतरनाक है हमको पता है, और कॉलेज का एग्ज़ाम उससे भी खतरनाक होता है 12th के एग्ज़ाम के कंपेयर में। देखते हैं क्या ही कर पाते हैं हम, है ना?
ओके हाय ब्रो, कूल यस कूल नहीं ब्रो, ये तो एक ऐसा सीजन है, ऐसा माहौल बन चुका है एग्जाम का, पूरा हॉट बन चुका है ये वाला सीजन। CWL का सीजन भी हॉट चल रहा है और इधर हमारे रियल लाइफ के अंदर भी सीजन हॉट ही चल रहा है। विंटर है फिर भी हॉट चल रहा है एग्जाम्स के लिए, तो क्या ही कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कब जाके ख़त्म होंगे, कब जाके हमारा पीछा छोड़ेंगे एग्ज़ाम, पता नहीं। एकदम अच्छा ही नहीं लगता, फालतू का एग्ज़ाम होता है। अगर ऐसा कुछ होता कि हम एग्ज़ाम देने के बिना, एग्ज़ाम दिए बिना ही हम अगर नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट हो जाते, वो हमको अगर नेक्स्ट क्लास में ले लेते तो बहुत ही बढ़िया होता। जस्ट किडिंग। अच्छा नाइट बेस के अंदर ही चलते हैं, इधर तो हमारे ट्रूप्स ट्रेंड नहीं है पूरी तरीके से, वो रेडी नहीं है वो हमारे जो ट्रूप्स, मैंने वो जो मैं ट्रूप्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो नाइट बेस के अंदर से ही कुछ दो तीन अटैक दे देते हैं और देखते कितना स्टार ले पाते हैं हम इस बेस के अंदर से, और अटैक देखे कितना परसेंटेज हम ले पाते हैं, हम जीतते हैं या फिर हारते हैं देखते हैं, वो कुछ ही टाइम में हमको पता चल जाएगा। अरे भाई साहब उधर से क्यों जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया एकदम, ये वाला अटैक हो चुका है हमारा बेकार, और मुझे नहीं लगता कि अच्छा वाला स्टार हमको मिलेगा इस अटैक के अंदर से, है ना। डजेंट मैटर, विश यू बेस्ट रिगार्ड्स। कुणाल परमर जी कैसे हो ब्रो, श्रीमानी के लिए बहुत शुक्रिया। कुणाल परमर जी थोड़ा सा रुक जाइए, ये वाला अटैक हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना, और उसके बाद मैं आपका बेस दिखाता हूँ इधर स्ट्रीम के अंदर। और शुक्रिया श्रीमानी के लिए स्ट्रीम से जुड़ने के लिए, है ना, तो बहुत ही शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को जो इस स्ट्रीम के अंदर आए हो, हमारा जो तो हमारा जो दिन है वो बनाने के लिए, अच्छा वाला दिन बनाने के लिए, स्ट्रीम से जुड़ने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ओके ये वाला अटैक कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुक जाइए, दो तीन शायद 1 मिनट में कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद मैं आपको बेस दिखाता हूँ। देखिए कुछ ही सेकेंड्स बाकी है, और आपने तो दिया है आईडी, तो कोई ज़रूरत नहीं है और आईडी देने का, ये वाला आईडी हो जाएगा, इससे ही काम चल जाएगा, सॉरी इससे ही काम चल जाएगा। तो एंड बैटल करते हैं। ओके पूर्वा जी आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाइए सिम के अंदर, 10-15 मिनट बाद में जाइएगा, कुछ 10-15 मिनट तक रुक जाइए, अभी तो आए हो आप, इतना जल्दी जा रहे हो। अच्छा चलते हैं आपके बेस के अंदर, मैं आपका बेस का आईडी टाइप कर रहा हूँ कुणाल जी, ठीक है। तो ये आपका बेस है, बहुत ही अच्छा वाला बेस बनाया आपने, देख लीजिए ये आपका बेस है, और आप जो गोल्ड लीग में हो ब्रो, और आपका ऑल टाइम बेस तो क्रिस्टल लीग में है, बहुत ही बढ़िया, क्लैन का लेवल 5 है, और उसके बाद आपके पास जो हीरोज अवेलेबल है, और एक हीरोज अवेलेबल है, एक है लेवल 10 का, और उसका जो लेवल है सॉरी उसका लेवल 10 है, और ट्रूप सर्कल बहुत सारा है, एक है लेवल 5 का लून आपके पास, लेवल 5 का विजर्ड है आपके पास, लेवल 3 का आपके पास हीलर, लेवल 3 का पेक्का, लेवल 2 का वैर करे। तो फिर चलते हैं आपके स्पेल सेक्शन के अंदर, आपके पास जो स्पेल सेक्शन है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे स्पेल्स है, लेवल 5 का लाइटनिंग स्पेल्स है आपके पास, लेवल 5 का आपके पास हीलिंग स्पेल, लेवल 5 का डेज, और डार्क स्पेल के अंदर आपके पास है लेवल 2 का पॉइजन। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, दिखाता हूँ मैं कि आपका बेस कैसा है। तो ये आपका बिल्डर बेस देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ टाइम तक मैं रुकूंगा बिल्डर बेस के अंदर, उसके बाद मैं चला जाऊँगा आपके होम विलेज में, मैं दिखाऊंगा आपको होम विलेज का हिस्सा है, क्योंकि वो हमारा मेन विलेज है ना, ये आपका था नाइट बेस। ओके तो ब्रो ये आपका होम विलेज है, विलेज तो बहुत ही ओपी वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला आपने विलेज बना के रखा है, और ये वाला बेस मैंने पहले भी देखा था, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से दिखा देते हैं। ये आपका बेस है, देखिए होम विलेज वाला आपके पास लेवल 1 का है, बहुत ही बढ़िया, उसके बाद आपके पास कैनन है लेवल 10 का, ठीक है, और मॉडल जो आपके पास है लेवल 6 का, एयर डिफेंस का लेवल भी बहुत बढ़िया गजब वाला है, लेवल 6 का एयर डिफेंस आपके पास, और एयर डिफेंस सॉरी एयर डिफेंस के बारे में तो मैंने बोला ही, विजर्ड जो आपके पास है विजर्ड टावर
वह लेवल 6 का, ठीक है। ये आपके पास आर्चर टावर लेवल 10 का, उसके बाद क्या ही बोलूँ, और एयर स्वीपर के लेवल तो मैंने बोला नहीं, तो मैं बोल देता लेवल 4 के एयर स्वीपर। आपके पास सीसी का लेवल भी बहुत बढ़िया वाला, लेवल 4 का। तो ये जो आपने बनाया हुआ है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टार वाला, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत ही ओपी वाला बेस आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर बेस बनाया है आपने, ठीक है। और बहुत ही क्लीन है बाहर की तरह, बाहर के साइड से बहुत ही क्लीन है ये वाला बेस। तो देख लीजिए, लास्ट एक बार हम ये बेस दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं हमारे होम विलेज के अंदर, और उसके बाद आपका बार्बियन किंग, ये है आपका बार्बियन किंग। हमने नहीं दिखाया था आपका बार्बियन किंग को, तो देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं, रिटर्न होम करते हैं। ओके, तो हम वापस आ चुके हैं, और एक अटैक देते हैं। मैंने डिज़ाइन किया है टाउन हॉल, ओके, बहुत ही बढ़िया बनाया है ब्रो, बहुत ही बढ़िया बनाया है। अच्छा, वो फॉर्मेशन दिया आपने अच्छी तरीके से, आपने इधर उधर डिफेंस सिस्टम को रखे हैं, है ना, और उसके अंदर गैप भी अच्छा रखा है आपने। तो फिर अटैक देते हैं नाइट बेस के अंदर से, देखते हैं इस टाइम हमको कितना स्टार मिलता है इस वाले अटैक से। थोड़ा सा देख लीजिए अटैक को, कुछ ही देर में ये वाला अटैक हो जाएगा कंप्लीट। अभी अभी तक तो 32% आया है, 35, उसके बाद 37 आ चुके हैं हमारे, 39 भी आ चुके हैं। और टार्नल को यह अब बर्बाद करेगा हमारा बिल्डर, हमारा बैटल मशीन शायद, हाँ इनका नाम बैटल मशीन ही है। ये अब हमारे टाउन हॉल को पूरी तरीके से तबाह करेंगे, और उसके बाद हमको देखना है कि कितना परसेंटेज ले पाता है, कितना स्टार आ पाता है इस बेस के अंदर से, है ना। तो बैटल मशीन का हेल्थ पूरा हो चुका है एकदम, मुझे लगता है कि 2 स्टार तो इजीली आ जाएगा इस वाले बेस के अंदर से, 2 स्टार हमको मिल जाएगा। बट 3 स्टार मिलेगा क्या, पता नहीं, वो देखते हैं फ्यूचर में। लास्ट तक हम देखेंगे कि हमको 3 स्टार मिल पाता है या फिर नहीं इस वाले बेस के अंदर से। अगर जरूर से अगर मिलेगा तो हमको बहुत ही खुशी होगा, बहुत ही खुशी महसूस होगा, खुशी पहुंचेगी। तो इनका हेल्थ तो जा ही रहा है, धीरे धीरे करके इनका हेल्थ कम हो रहा है, क्योंकि अरे भाई साहब, क्योंकि उसके वजह से पागल अच्छे ना कि इटा अच्छा, ठीक है, चलिए एंड बैटल कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे से हमारे व्यूअर जो है वो आए हैं उनका बेस रिव्यू कराने के लिए, ठीक है। तो हम ये बंद करके आते हैं, मतलब वो वाला अटैक ख़त्म करके चले आए हैं हम इधर हमारे होम विलेज के अंदर। तो आपको मैं बेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो थैलियट बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं थैलियट बोल रहा हूँ। एंड थैलियट, वेयर आर यू फ्रॉम? Thaliot, where are you from? In which country do you live in? And welcome to this stream. And if you're new in this stream, then please like this stream. Okay, then please like this stream and subscribe this channel. Then it will be very much helpful for me complete that 400 subscriber goal, which I have kept. Okay, so complete that one. And Thaliot, you haven't gave me your ID, means a COC ID, which you want me to show in this stream. So please give me that. Give me your COC ID, means the ID of your base. Okay, so I'm coming back within few minutes. Don't go. Okay, so please wait for a few seconds. सैमेक्स गेमिंग, थोड़ा सा रुक जाए, मैं अभी आ रहा हूँ।
ये जो हमारा बैकग्राउंड का म्यूज़िक है ना वो बंद हो चुका है किसी कारण के लिए, तो आप लोग जाएगा नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ। आपने आईडी दिया है, मैंने देखा वो, बट थोड़ा सा रुक जाइए ब्रो, एक इशू हो गया तो उसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है। और सैमएस गेमिंग जी, मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, हम आ चुके हैं वापस। शील्ड मोड में ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा ये वाला सीओसी, ये वाला स्क्रीन जो आपको इस टाइम पे ब्लैक दिख रहा है वो अभी आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए मैं आ चुका हूँ सीओसी के अंदर, हमारा फिर से हो चुका है स्टार्ट स्ट्रीम। तो मैं आपके बेस के अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपका बेस आपने कैसा बनाया है, कैसा तड़कता धड़कता एकदम माउंटेन ड्यू वाला बेस बनाया है। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, और सेमिक्स गेम को बहुत ही सपोर्ट मिल जाएगा आपके एक सब्सक्राइब से, है ना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत ही सपोर्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और प्रीतम खैर, प्रीतम जी क्या ही मजाक करते हो ब्रो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, गुड नाइट हो चुका है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और देखिए आपका बेस है, ठीक है, आपका नाम इधर सामी बोल से, नाम तो बहुत ही गजब का आपने रखा है। और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हमको बहुत ही सपोर्ट मिल जाएगा, सो प्लीज़ ब्रो कर दीजिए, मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प करिए हमारा। ओके, आप सिल्वर लीग में हो ब्रो, और आपको जो क्लैन का लेवल है लेवल 1 है, ठीक है, आपके पास एक हीरो अवेलेबल है देखिए वो है लेवल 10 का, उसके बाद 2 आपके पास बहुत सारे हैं देख लीजिए एक बार, एक है लेवल 5 का लून आपके पास, लेवल 5 का विजर्ड है, लेवल 3 का पिक्का है, लेवल 3 का है ड्रैगन, लेवल 4 का हॉग है, लेवल 2 का वेल के स्पेल आपके पास जो जो है आप देख लीजिए एक बार से, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप मिला लीजिए। लेवल 5 का लाइटिंग स्पेल है, लेवल 5 का हीलिंग है, लेवल 5 का है रेज। उसके बाद हम चलते हैं आपके बेस के अंदर, आपका बेस कैसे हम दिखा देते हैं। और प्रीतम जी, प्रीतम जी, प्रीतम जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, वेलकम टू द स्ट्रीम, और हमको बहुत ही अच्छा लगा आप स्ट्रीम के अंदर आए, है ना। तो थोड़ा सा देखिए स्ट्रीम को, थोड़ा देर तक रुकिए स्ट्रीम के अंदर, तो स्ट्रीम खतरनाक हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के आने से ये स्ट्रीम एकदम ओपी बन जाती है, स्ट्रीम का जो माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ओके ब्रो, तो ये आपके पास सीसी है देखिए, क्लैन कैसे लेवल 4 का, उसके बाद आपको एयर स्वीपर है वो है लेवल 4 का इधर, और आपने इस बेस को अच्छी तरीके से सजाया नहीं, वो क्यों ब्रो, और आप क्या ही दिखाना चाहते हो, आप क्या ही दिखाना चाहते हो इस बेस के बीचों बीच, हमको बोलिए, क्योंकि आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है उन वॉल्स को अरेंज करके, है ना, तो आप क्या दिखाना चाहते हो हमको ज़रूर से बोलिएगा, आप क्या बताना चाहते हो। ओके, तो ये आपके पास स्टोरी स्टैचू देखिए, उसके बाद आपके पास जो एयर डिफेंस है उसका लेवल है लेवल 6, बहुत ही बढ़िया ब्रो, और आपके पास जो कैनन है वो लेवल 10 का, उसके बाद आपका इधर एक कैनन है, उसको आपने डुअल करके रखा है, उसको हम बोलेंगे डुअल कैनन, गियर्ड अप कैनन है वो एक्चुअली, बट उसको हम एक नाम दे रहे हैं, उसका नाम हम दे रहे हैं डुअल कैनन, तो वो वाला कैनन भी बहुत खतरनाक है। ये आपके पास कौन है, ये आपका बार्बिन किंग जी है, उसके बाद आपके पास जो बॉटर है उनका लेवल है लेवल 6, आपके पास जो आर्चिटार्ड है वो भी आपने गियर अप करके रखा है, उसके लिए उनका पावर इंक्रीज हो चुका है अगर उसको आप गियर अप पोजिशन में रखते हो तो, ठीक है, अगर उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट करके रखते हो उनका हाइट, तो उनका रेंज कम हो जाएगा बट उनका पावर बहुत 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 इंक्रीज हो जाएगा पहले से, ठीक है। और उस आर्चिटार्ड का लेवल है लेवल 10, उसके बाद आपके पास क्या ही है, और जो आपके पास रिमेनिंग डिफेंस सिस्टम है उसका मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, उसे तो आपके पास तो लेवल 6 का है ही, और यही है आपके पास सब कुछ इस बेस के अंदर, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। और बीच में आपने क्या बनाया है हमको थोड़ा सा बोलिएगा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है ब्रो, ठीक है, तो हमको ज़रूर से बोलिएगा। और ये आपके पास है ग्लोई लैंटर्न, तो बहुत ही गजब का बेस आपने बनाया है, साइड में या फिर बीच में बहुत सारे जगहों में ऐसे ऐसे जगह है, मतलब देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए इधर थोड़ा ट्रंक है, उधर उधर है बुश, तो इन सारे ट्रंक्स और बुशेस को आप काट लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे जेम्स मिल जाएंगे उधर से, और उसके बाद आप उस जेम्स को एक काम कर सकते हो, उनको एक काम में यूज़ कर सकते हो, उनको एक जगह पे लगा सकते हो कि उनको यूज़ करके आप कोई सा भी स्किन खरीद सकते हो, ठीक है, तो इन सारे बुश और ट्रंक्स को काट लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, तो उसके बाद आप एक स्किन खरीद लीजिएगा उनको यूज़ करके। और मुस्तफ़ा एन कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द स्ट्रीम। और किंग्स ऑफ गेमिंग जी कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम। एंड एंड
और अगर आप इस टीम के अंदर आज आए हो ना, अगर आप इस टीम के अंदर आज मतलब कल तो आए ही थे कि किंग्सो गेमिंग जी और मुस्तफा जी आप भी पहले आए थे इस टीम के अंदर, और आज अगर पहली बार इस टीम के अंदर आए हो तो प्लीज़ इस टीम को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मुस्तफा जी आपने आईडी दिया, हम ज़रूर से दिखाएंगे आपका बेस, कोई बात नहीं ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम, ज़रूर से दिखाऊंगा मैं, क्यों नहीं दिखाऊंगा, यही तो मेरा काम है बेस विजिट करना, तो ज़रूर से दिखाऊंगा आपका बेस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। और सर बिग फैन, प्लीज़ शाउट आउट टू मी, बैड बॉय कैसे हो ब्रो, बैड बॉय कैसे हो, शाउट आउट टू बैड बॉय ब्रो, बिग फैन, हम आप तो हमको शर्म दिला रहे हो, मतलब हम शर्मा रहे हैं आप ऐसा बोल रहे हो उसके लिए। भाई ब्रो हम उतना भी बड़ा यूट्यूबर नहीं बने हैं, बट एक शाउट आउट तो बनता है ब्रो, उसके लिए हम आपको एक शाउट आउट दे रहे हैं, ठीक है, शाउट आउट टू बैड बॉय, बट ऐसे मत बोलिए कि आप हमारे बिग फैन हो, बट हमको बहुत अच्छा लगा कि आप स्ट्रीम के अंदर आए, है ना, आप स्ट्रीम के अंदर आए वो हमको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तो थैंक यू उसके लिए, ऐसे आते रहेगा, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, मुझको बहुत ही गजब का लगता है, एक अलग ही मोटिवेशन फील होता है जब आप लोग आते हो स्ट्रीम के अंदर। ओके किंग्सो गेमिंग जी, ओके ओके थैंक्स सर, क्या ही लिखे हो भाई, शॉर्ट फॉर्म का तो एकदम ओपी लेवल बना दे रहे हो शॉर्ट फॉर्म का। और किंग्सो गेमिंग जी मैं आपको ही बेस दिखाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाए, इनका बेस दिखा लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपके बेस के अंदर चलता हूँ, ठीक है। ये आपके पास देखिए मुस्तफ़ा जी आपका बेस है, और उसके बाद आपका जो क्लैन है उसका लेवल 9 है, ठीक है। क्रिस्टल लीग में हो आप ब्रो, आपका जो ऑल टाइम बेस्ट है वो भी बहुत गजब का है, चैम्पियन लीग, ठीक है। उसके बाद हीरोज आपके पास 3 अवेलेबल है, लास्ट वाला जो आपके पास चचा जी है उनका लेवल थोड़ा सा कम है, बट उनका थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिएगा, उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो बाद में जाकर आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। सेज मेज आपके पास 2 अवेलेबल है, और देखिए आपके पास हीरोज है, लेवल 8 का लून है, लेवल 8 का विजर्ड है, लेवल 7 का पेक्का है, लेवल 2 का माइनर है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, इस छोटे से यूट्यूब चैनल को अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, अगर कोई इनका केयर नहीं करता है तो कैसे ही चलेगा ब्रो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा इस चैनल को, हमारा जो 400 सब्सक्राइबर का गोल मैंने रखा है, प्लीज़ वो प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी करके वो कंप्लीट करा दीजिए। ओके तो ओके ब्रो हम दिखा रहे हैं आपका बेस, थोड़ा सा रुकिए, स्पेल आपके पास देखिए लेवल 8 का लाइटनिंग है, लेवल 7 का आपके पास हीलिंग स्पेल, लेवल 6 का आपके पास रेज, ठीक है, लेवल 5 का आपके पास अर्थक्वेक है। तो चलते हैं आपके बेस के अंदर, आपका बेस कैसा है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपके मेन विलेज के अंदर चलते हैं, ये आपका मेन विलेज है, बहुत ही बढ़िया वाला बेस आपने बनाया है, और पहले मैं बोलूँगा आपके पास जो वॉल्स है उनको, वॉल्स का लेवल भी बहुत हमको अच्छा लगा, ठीक है, वॉल का लेवल भी हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपको जो आर्चर टावर है उनका लेवल 15 है, बहुत ही गजब ब्रो, मोर्टर का लेवल तो कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही लेवल का मोर्टर है, इधर धुआंधार मोर्टर आपने करके रखा है, लेवल 10 का है, उजर टावर का लेवल भी बहुत अच्छा है ब्रो, लेवल 10 का। उसके बाद कैनन को देखकर भी हमको बहुत अच्छा लगा कि उनका लेवल आपने बढ़ा के रखा है, मतलब इंक्रीज करके रखा है, उनका लेवल इधर 13 का है। एक्सो का लेवल हमको बहुत ही अच्छा लगा, उसका लेवल 5 है। उसके बाद जो ईगल आर्टिलरी का लेवल है वो भी बहुत ओपी है ब्रो, बहुत टकाटक है बहुत टकाटक खतरनाक वाला है उनका लेवल, लेवल 3 का ईगल आर्टिलरी आपके पास, और क्या ही बोलूँ, और इन्फर्नो टावर आप 5 से 6 कर रहे हो, और एक तो ऑलरेडी 5 का है ही, और इधर आपने 11 करके रखा है मोर्टर, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास ये हीरोज़ है उसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, उन हीरोज़ को, ये आपके पास है ग्रैंड ऑर्डन चचा जी, उसके बाद ये बार्बेरियन किंग जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आर्चर क्वीन है वो भी हम दिखा देते हैं, ये आपके पास आर्चर क्वीन है, तो क्या ही बोलूँ और इस बेस के बारे में। ये आपका है आर्मी कैंप, वो तो है लेवल 9 का, और वर्कशॉप आपका जो है वो है लेवल 2 का, वो आप शायद 2 से 3 कर रहे हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बेस तो बहुत ही अच्छा बना है, अब हम दिखाते हैं किंग्सो गेमिंग जी का बेस, ठीक है। किंग्सो गेमिंग जी मैं आपके बेस के अंदर आ रहा हूँ, तो देख लीजिए, अच्छा, तो ये आपका बेस है, बहुत ही गजब का बेस आपने बनाया है ब्रो, किंग्सो गेमिंग जी देखिए। ओके आप लेजेंड लीग में हो ब्रो, ओके मुस्तफा जी कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम, आपने आपका बेस दिया रिव्यू कराने के लिए, दिखाने के लिए, हमको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही दीजिएगा, ठीक है, ऐसे हर दिन आके आपका बेस इधर आके दिखाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ज़रूर से दिखाएंगे आपका बेस, और प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस छोटे से प्यारे से यूट्यूबर को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा, ठीक है, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर
और लाइक कर दीजिएगा, एक एक लाइक से क्या ही जाएगा आपका, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। ओके, तो मुझे पता है कि आप हमारे बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, सॉरी पुराने सब्सक्राइबर है, बहुत दिनों से है स्ट्रीम के अंदर, बट फिर भी हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्लैन का लेवल जो है आपके पास, किंग्सो गेमिंग जी, आपका जो क्लैन का लेवल है लेवल 13 का है आपके पास, और आप इस क्लैन के अंदर को लीडर हो, बहुत ही बढ़िया ब्रो। और आपके पास देखिए 4 हीरोज अवेलेबल है, 4 हीरोज अवेलेबल है, चारों के चारों पूरी तरीके से मैक्स करके आपने रखा है। बेंसो गेमिंग जी, आई एम नॉट बैक यू आर फ्रंट ब्रो। बेंसो गेमिंग जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया। क्या इमोजी दिए हो आप आते आते ही, आने के तुरंत टाइम में ही, क्या ही बोलते उसको, आने के तुरंत बाद ही आपने एक अच्छा वाला इमोजी दिया है, तो अ थम्स अप फॉर दैट इमोजी। तो वेलकम टू द स्ट्रीम बेंसोन गेमिंग जी, बेंसोन गेमिंग, ठीक है, बेंसोन गेमिंग जी वेलकम टू द स्ट्रीम। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जो स्ट्रीम है वो लेट चालू किया है ना, ये जो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ शायद आधे घंटे से कर रहा हूँ, तो मैंने भी उतना जल्दी जल्दी मैंने ये स्ट्रीम चालू नहीं किया, हमसे भी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी तो हम 1:30 तक है, ठीक है, 1:30 तक हम इधर हैं, तो देखिए थोड़ा स्ट्रीम को, मज़े लीजिए स्ट्रीम का। और मिस्टर आर्यन वाइटी गेमिंग भाई साहब, क्या ही बोल रहे हो आप लोग आके, कि बिग फैन बोल रहे हो, हम तो छोटे से यूट्यूबर है ब्रो, थोड़ा सा कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके हम आप लोगों की तरह बन जाए, अच्छे वाले यूट्यूबर बन जाए। तो शुक्रिया ऐसे बोलने के लिए, आप हमारे बिग फैन हो। और मिस्टर आर्यन वाइटी गेमिंग जी कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। और स्ट्रीम के अंदर अगर नए आए हो ब्रो, तो प्लीज़ स्ट्रीम को एक लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमको बहुत ही अच्छा लगता है, और एक सब्सक्राइब से भी हमको बहुत अच्छा लगते हैं। तो अगर प्लीज करना चाहते हो तो भाई, आज न्यू वीडियो डाल दिया बिग फैन भाई, आज न्यू वीडियो डाल दिया। ओके बिंजन गेमिंग जी, मैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं आपका जो वीडियो है जाकर चेक करूंगा जो आपने डाला यूट्यूब के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ इस बेसिस के बारे में, इन बेसिस के बारे में ये जो रिव्यू कर रहा है वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा टाइम निकाल के। ये आपके पास जो स्टेज में सब्सक्राइब भी कर दिया, थैंक यू मिस्टर आयन वाइटी गेमिंग जी, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर लवली सपोर्ट, योर ओपी सपोर्ट। ओके, स्टेज मिशन आपके पास चारों के चारों अवेलेबल है किंग्सो गेमिंग जी, और सभी की सभी मैक्स करके रखा है आपने। आप कैसे हो गए क्या बेंजन गेमिंग जी, विचेस टीम देखते देखते भाई साहब, क्या ही करते हो, हर दिन एक ही चीज़ करते हो। ओके टूल्स आपके पास देखिए, लेवल 9 का लून है भाई। आप कहाँ से हो? मैं ब्रो, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मुझको शायद लगता है कि आपको वो पता चल गया होगा मेरे हिंदी बोलने के स्टाइल से, मैं जिस तरीके से हिंदी बोल रहा हूँ उस वो सुन के आपको शायद पता चल गया होगा कि हम कहाँ से हैं। हम वेस्ट बंगाल से है ब्रो, मेरा जो सिटी है वो कोलकाता है, ठीक है। और ट्रूप्स आपके पास है लेवल 9 का है लून, लेवल 10 का आपके पास है विजर्ड, ठीक है, लेवल 7 का आपके पास है माइनर, लेवल 4 का इलेक्ट्रो ड्रैगन, और लेवल 5 का है बॉलर। आपके पास जो ट्रूप्स है सभी के सभी तो पूरी तरीके से मैक्स करके रखा है आपने, सभी का लेवल तो बहुत ही गजब वाला है। कल सुबह, यस ओके मिस्टर आयन वाइटी गेमिंग जी, और देखिए थोड़ा सा स्ट्रीम को, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से आइएगा कल फिर से। कल सुबह 7 बजे उठा है, कल सुबह 7 बजे उठा है, ओके किस लिए ब्रो? अच्छा, शायद आपका कुछ वो था है ना, कुछ पढ़ाई का मसला था उसके लिए शायद। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो स्पेल है, आपके पास जो स्पेल है सभी के सभी तो आपके पास मैक्स्ड है, तो फिर चलते आपके बेस के अंदर। नहीं भाई, नहीं भाई मतलब डार्क गेमर वाइटी, हाय ब्रो कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। और अगर स्ट्रीम के अंदर नए हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सर टाउन हॉल क्या होता है? अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ तो लिखते हैं अल्फक। अल्फक क्यों, आपका तो वो आपको तो आईडी इधर नहीं आया ब्रो। अल्फक मैं आपका बेस फिर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ आपका आईडी, बट क्या ही बोलूँ, आपका आईडी तो यूट्यूब नहीं दिखा रहा है, क्या ही पंगा हो चुका है यूट्यूब के साथ, पता नहीं, ये हर दिन यही होता है। कहने लुक में, हाँ जरूर सर, मैं आपको बेस दिखाऊंगा। और सर टाउन हॉल का, लव यू ब्रो, ओके ब्रॉल स्टार्स खेलो, मस्त गेम है, ओके डार्क गेम वाइटी, हम जरूर से ट्राई करेंगे। एक टाइम पे मैंने खेला था ब्रॉल स्टार, बट उस टाइम पे व्यू नहीं आ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने ब्रॉल स्टार गेम खेलना बंद कर दिया है ना, तो ज़रूर से खेलेंगे बाद में। आप जो बोल रहे हो हमको खेलने के लिए, हम ज़रूर से खेलेंगे, एक दिन फिर से ट्राई करेंगे ब्रॉल स्टार, और देखेंगे कितना व्यूज़ आ रहे हैं हमारे, और अगर अच्छा वाला व्यूज़ आए तो ज़रूर से उस गेम को कंटिन्यू करेंगे स्ट्रीम के अंदर है ना। और सोया नहीं हूँ, ओके मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ। अच्छा किंग्सो गेमिंग जी, ये तो आपका ही बेस है, देख लीजिए।
उसके बाद आपके पास स्कैटर शॉट है लेवल 2 का, उसके बाद मेरा साथ ब्रॉल स्टार 1 में। ब्रो हम उतना प्रो नहीं है, हम उतना प्रो नहीं है ब्रॉल स्टार के अंदर, बट फिर भी हम करेंगे, ज़रूर से करेंगे। आप जो बोल रहे हो हमको ज़रूर से करेंगे, 1v1 करेंगे आपके साथ उधर ब्रॉल स्टार के अंदर। ये आपके पास क्लॉक वर्क किंग है, किहाई स्किन आपने परचेस करके रखा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सर मैंने आज तक क्लैश ऑफ, ओके आप बोलो सर मैंने आज तक क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेला है। क्यों नहीं खेला ब्रो? ये क्लैश ऑफ क्लैंस तो बहुत ही ईजी गेम है। ये पूरा ये जो गेम है ना हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस, पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है और थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस रहे, अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप इस गेम के अंदर प्रोग्रेस कर पाओगे, है ना। तो ये आपके पास रॉयल चैम्पियन जी, ये आपके पास रॉयल चैम्पियन जी था। और भाई साहब आप तो क्लॉक वर्क के ऊपर ही पूरा क्वीन और किंग परचेस किए हो, क्या ही अच्छा वाला थीम आपने परचेस किया है, बहुत ही बढ़िया ब्रो, एकदम यूनिक वाला स्किन है आपके पास। ओ भाई साहब ग्रैंड वार्डन भी आपके पास क्लॉक वर्क के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, गजब वाला स्किन आपने परचेस किया है। थीम तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, पूरा क्लॉक वर्क के ऊपर है किंग क्वीन और ग्रैंड वार्डन जी। और ब्रो मैं भी इतना प्रो नहीं हूँ, बस 13K भाई साहब, 13K का ट्रॉफी है आपके पास और आप बोल रहे हो प्रो नहीं हो। हमारे पास शायद कुछ 100 ही ट्रॉफीज है शायद, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा नहीं खेलता ना ब्रॉल स्टार, मैं खेलता ही नहीं हूँ आप ऐसे ही मान लो। कैन आपके पास है लेवल 19 का, उधर टॉर है लेवल 13 का, उसके बाद मोटर आपके पास लेवल 13 का, ठीक है। और देख लीजिए जो बॉम्ब टावर आपके पास है लेवल 8 का, उधर टावर में दिखा था लेवल 13 का, इन्फर्नो टावर का लेवल भी बहुत अच्छा वाला है लेवल 7 का, आपके पास जो सीसी और लेवल 9 का। तो ये आपका बेस है, देखिए मैं ऊपर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपका बेस, लेवल 11 का एयर डिफेंस आपके पास, और वॉल का लेवल भी बहुत खासम खास है लेवल 13 का, इधर है लेवल 14 का, मतलब 13-14 मिक्स करके आपने रखा है अपने बेस के अंदर वॉल्स। तो ये वाला बेस आप देख लीजिए, मतलब ये वाला आइडिया आप देख लीजिए ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला बेस, खतरनाक। ओके तो फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे सब्सक्राइबर के बेस के अंदर, उन्होंने भी दिया था अपना बेस दिखाने के लिए इधर, तो हम ज़रूर से उनका बेस दिखाएंगे, ठीक है। तो अल्फक आर यू स्टिल देयर ब्रो, एंड इफ यू आर स्टिल देयर देन सो प्लीज़ 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 रिप्लाई मी ब्रो, प्लीज़ रिप्लाई। मनोज जी कैसे हो ब्रो स्ट्रीम में आने के लिए, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया आपको कि आप आज भी स्ट्रीम के अंदर आए हो, और आप तो हर दिन हमारे एवरीडे कस्टमर हो ब्रो, एवरीडे का कस्टमर हो, हर दिन का कस्टमर हो, तो थैंक यू ब्रो स्ट्रीम के अंदर आने के लिए मनोज तिवारी जी। ओके अरे भाई साहब सिद्धांत जी आप क्या ही बोल रहे हो, आप तो हमारे इतने प्यारे से भाई हो, इतने प्यारे से अच्छे वाले भाई हो, आप ऐसा गंदा बात क्यों बोल रहे हो ब्रो। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ ब्रो सिद्धांत जी, अच्छा भाई साहब आपको तो टाइम आउट दे ही दिया हमारे मनोज तिवारी जी ने, मैं एक काम करता हूँ आपको वो रिमूव कर देता हूँ आपका आईडी, ठीक है। मैं YouTube को वो भेज रहा हूँ, ठीक है YouTube को मैं भेज रहा हूँ ये रिपोर्ट, और आपका आईडी कुछ ही दिनों में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू ब्रो ऐसा गाली देने के लिए, पुट यूज़र वो टाइम आउट तो दे ही दिए हैं, रिपोर्ट भी मार रहा हूँ, ठीक है रिपोर्ट भी मार रहा हूँ, और वो एब्यूज़ वाला मार रहा हूँ, और हमारा जो दो तीन और भी आईडी है उधर से मैं आपको रिपोर्ट मार दूंगा, और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका आया वाला आईडी हो चुका है बैन। ओके तो चलिए हम थोड़ा सा रिपोर्ट मार देते हैं आपको। ओके चलिए आपका काम हो चुका है तमाम, और टाटा बाय बाय स्ट्रीम के अंदर से, और कभी भी मत आइएगा। और ओके लेट नाइट चिल, हमारे जो क्या थे इनका नाम क्या था, सिद्धांत पनवार जी, बाय बाय ब्रो, बाय बाय सिद्धांत पनवार जी, और कभी भी मत आइएगा स्ट्रीम के अंदर, अभी बच्चा है भाई। हाँ ब्रो वो बच्चा ही था। और किलर माफिया ब्लॉग कैसे हो ब्रो स्ट्रीम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को जो स्ट्रीम के अंदर आके ज्वाइन हुए हो, ठीक है। तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही स्ट्रीम में आते रहिए और स्ट्रीम को अच्छा बनाते रहिए, इस स्ट्रीम को हमारा जो एक छोटा सा स्ट्रीम मैं करता हूँ हर दिन, तो बढ़िया वाला बना दीजिए इसको। लेट नाइट चिल, हाँ लेट नाइट चिल करें थोड़ा सा, स्ट्रीम तो हम लेट नाइट ही शुरू करते हैं, हम बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हम स्ट्रीम चालू करेंगे हर दिन बोलते हैं, बट हमसे नहीं हो पाता। और दिग्विजय सजवान जी कैसे ब्रो, भाई क्यों करे ऐसा, अभी बच्चा है भाई, अरे बच्चा है या फिर बड़ा वो हमको फर्क नहीं पड़ता, ये अगर ऐसे गाली देता है आकर, अगर कोई भी हमको ऐसा गाली देता है आकर स्ट्रीम के अंदर, हम खुद ही नहीं देते गाली,
तो मैं दूसरों को क्यों मौका दूँ, है ना, मैं दूसरों को क्यों अलाउ करूँ स्ट्रीम के अंदर आके वो गाली दे हमको। और अगर ऐसा करता है तो मैं ज़रूर से उनको बैन करूँगा एकदम से। और हमारे दो तीन मॉडरेटर भी है इधर, वो ऑलवेज रेडी रहते हैं इनको बैन करने के लिए, है ना। अब हम पे भी आईडी है बहुत, ओके, बहुत सारे आईडी है, ओके, अदर आईडी ब्रो, ओके, सिद्धांत इमेच्योर टुमारो बॉर्न किड अब्यूजिंग पीपल लाइक सिद्धांत, ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत सारे आईडी अगर है उनके पास, मैं ज़रूर से, अगर ऐसा गाली दे वो आकर, ज़रूर से बैन मारूंगा इधर, ओके। तो देखा, मैं इनका बेस थोड़ा से दिखा देता हूँ। रॉय सचिन जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत से दिल से शुक्रिया सभी लोगों को जो आए हैं स्ट्रीम के अंदर, है ना। तो सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा जब आप लोग स्ट्रीम के अंदर आते हो तो ये स्ट्रीम बहुत ही ओपी बन जाता है, बहुत ही खतरनाक बनता है एकदम, इसका पेस जो है ये पेस पकड़ लेता है मैच्योर। हाँ ब्रो, डार्क गेमर वाइडी जी वही है ये, हाँ वो डारी हूँ मैं भाई साहब, मेरा जो एज है वो, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ ब्रो, तो आप थोड़ा लगा लीजिए कि मेरा एज कितना है, आप थोड़ा सा गेस लगा लीजिए, गेस कर लीजिए। पहचाना क्या अभिषेक पांडे जी, हाँ मैंने तो आपको पहचाना, और क्या हालचाल है आपका, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो देखिए स्ट्रीम को थोड़ा सा, ठीक है, ओके। किलन माफिया जी, मैंने आपको शायद वेलकम नहीं किया किया किलन माफिया जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया ब्रो, थैंक यू स्ट्रीम में आए। तो देखिए थोड़ा स्ट्रीम को, और आपने दिया आईडी, मैं ज़रूर से दिखाऊंगा आपका बेस। हाँ 18+ ही है, 18+ का, 20 हो चुका है हमारा तो, ओके। ये आपका क्लैन है, ठीक है अल्फा, ये आपका क्लैन है, अटैक दो, मैं दे रहा हूँ अटैक, थोड़ा से रुक जाइए। और आपका बेस मैं ज़रूर से दिखाऊंगा, बट आपका तो आईडी इधर नहीं है। और राहुल जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, ओके। आपका जो कमेंट है मैंने देखा बट पढ़ नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। और इनके पास दो हीरोज है, लेवल 25 का है, लेवल 26 का है, सेकंड वाला ट्रूप सबके पास जो है, लेवल 6 का लून है, लेवल 7 का विजार्ड है, लेवल 1 का इनके पास माइनर, ठीक है। किलर माफिया जी मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, इनका बेस हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपके बेस के अंदर चलते हैं। लेवल 5 का गोले में स्पेल इनके पास जो है, लेवल 6 का इनके पास लाइटनिंग स्पेल, लेवल 2 का फ्री स्पेल, लेवल 2 का इनके पास हैश स्पेल है जो, और उसके बाद चलते हैं इनके बेस का, इनका बेस कैसे हम दिखा देते हैं। और क्या ही बोल रहे हो भाई साहब, बार्बियन किंग वाला अटैक दे, सॉरी बार्बियन वाला अटैक दे रहा, आप कैसे हो राहुल जी, हम अच्छे हैं ब्रो, बंगाली हो, हाँ हम बंगाली, इसके लिए हमारा थोड़ा हिंदी थोड़ा सा वीक है शायद। और किरण माफी जी मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाए, आप कैसे, हम ठीक ठाक है, बहुत अच्छा हो ब्रो, ओके, बहुत ही बढ़िया, गजब ब्रो, और ऐसे ही अच्छे तरीके से रहिए, अच्छा वाला रहिए, अच्छा होकर रहिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का जो हेल्थ है वो अच्छा रहता है, आप लोगों का जो फिजिकल हेल्थ है या फिर आप लोगों का जो माइंड हेल्थ है अगर वो अच्छा रहता है तो बहुत ही बढ़िया ब्रो। भाई आवाज़ अच्छी नहीं है तुम्हारी, हाँ मेरा आवाज़ तो अच्छा नहीं है, मुझे पता है, हमारा आवाज़ थोड़ा सा बच्चों के जैसा है या फिर कुछ क्रीपी वाला है ना। तो ये आपके पास देखिए जो आर्चर टावर है वो लेवल 11 का, उसके बाद जो है मॉर्टर है लेवल 7 का, उसके बाद जो एयर डिफेंस है आपके बेस के अंदर वो लेवल 7 का, विजर्ड टावर का लेवल भी बहुत ओपी है लेवल 7 का, उसके बाद देखिए एक्सबो का लेवल 3 है, वो 3 से 4 कर रहे हैं। कृति चौ को जानते हो, कृति नहीं ब्रो, मैं उनको तो नहीं जानता, ये कौन है, नहीं कृति क्राइटिक नहीं ब्रो, सॉरी ब्रो, इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुँह से, तो मुझको ज़रूर से बोलिएगा ये कौन है। इनके पास जो एक्सबो है लेवल 3 से 4 कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी एक्सबो जो इनके पास है वो सभी के सभी ये अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ब्रो, ऐसे ही अपग्रेड करते रहिए अपने डिफेंस सिस्टम को, ठीक है। कैनन इनके पास जो है लेवल 11 का, एयरसूप इनके पास लेवल 5 का, इन्फोनोटॉन इनके पास लेवल 1 का है, तो बहुत ही बढ़िया बेस इन्होंने बना के रखा है, थैंक यू ब्रो ये वाला आईडी दिखाने के लिए, ओके। तो अब हम चलते हैं इनके बेस के अंदर, इनका तो आईडी नहीं आया मतलब इधर, बट फिर भी मैं इनका बेस दिखा दे रहा हूँ, किलर माफिया जी का ऑमली टारगेट के अंदर आया है इनका आईडी, बट यूट्यूब के अंदर नहीं आया, ये क्यों होता है हमारे साथ ही। मेक श्योर यू चेक आउट गेम, खेल बकचोदी मत मार भाई साहब, क्या ही बोल रहे हो आप। राजेश जी कैसे हो ब्रो, फिर से स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया ब्रो, ऐसे स्ट्रीम में आते रहिएगा, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और
राजेश जी आपने दिया आईडी, मैं ज़रूर से दिखाऊंगा आपका आईडी। अभिषेक वानी फ़ोन कौन सा है? मेरा फ़ोन रेडमी नोट 7 है ब्रो, उससे ही मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई साहब ऐसा ऐसा मत बोलिए, क्या ही गंदे गंदे बातें बोल रहे हो आप लोग। अटैक करो, हम अटैक करो बट इनका बेस हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ना। दिग्विजय जी ऐसा मत बोलिए, ठीक है। अगर आप आइंदा से ऐसा बोलते हो तो आप जा सकते हो इस वाले स्ट्रीम के अंदर से, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जाते हो या फिर रहते हो इधर। और राजीव जी थैंक्स ब्रो, ओके अटैक। डार्क गेमर जी मैं अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका बेस हम दिखा देते हैं, मतलब जो किलर जी है हमारे उनका बेस हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये क्लियर जी का बेस, इनका नाम इधर माफिया है। ये इनका जो लेवल है मतलब इन जो लीग है वो क्रिस्टल लीग, ठीक है। और उसके बाद हीरोज, इनके पास दो हीरोज अवेलेबल है, एक है लेवल 11 का, दूसरा वाला लेवल 13 का। ट्रूप्स इनके पास बहुत सारे, लेवल 6 का इनके पास है लून, उसके बाद लेवल 6 का इनके पास है वो क्या बोलते हैं विजर्ड। और उसके बाद इनके पास जो पिक है उनका लेवल है लेवल 3। ड्रैगन का लेवल भी बहुत अच्छा वाला है, लेवल 3 का इनके पास ड्रैगन है। गोलम जो इनके पास है लेवल 2 का है, लेवल 3 का वेलकरी है। उसके पास स्पेल इनके पास बहुत सारे, लेवल 6 का इनके पास है लाइटनिंग स्पेल, लेवल 1 का फ्रीज, लेवल 2 का इनके पास अर्थक्वेक है। तो फिर चलते हैं, इनका बेस कैसा है हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। और राजेश जी मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। ये आपका बेस है किलर जी, तो देख लीजिए। आपको जो एयर डिफेंस है लेवल 7 का है। उसके बाद उजे टावर का लेवल भी बहुत अच्छा है, लेवल 6 का उजे टावर आपके पास। इन्फर्नो टावर का लेवल भी बहुत गजब का है इधर, और लेवल 2 का। उसके बाद एयर स्वीपर का लेवल भी बहुत अच्छा आपने बना के रखा है अपने बेस के अंदर। और वो जो लेवल है लेवल 4 का, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो बार्बियन किंग है, ये देखिए आपके पास बार्बियन किंग। अगर इनका एक अच्छा वाला स्किन आपने परचेस किया होता तो गाली देता हो स्ट्रीम के बाहर। सिद्धांत वैर भाई, अरे भाई राम राम। ओके, स्ट्रीम के अंदर तो हम गाली नहीं देते ब्रो, और स्ट्रीम के बाहर भी हम बहुत कम गाली देते, बहुत कम। मॉर्टर आपके पास लेवल 6 का है, देख लीजिए। और कैनन आपके पास, जो सच है मैंने वही बोला, मैं छुपाऊंगा नहीं। कैनन आपके पास लेवल 11 का मैंने बोला ही, ठीक है। देखिए ये आपका बेस था, मतलब बेस अभी भी है। मेरा जो ये रिव्यू है वो मैंने कंप्लीट कर चुका है, मैंने कंप्लीट करा ये वाला रिव्यू। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले बेस के अंदर चलते हैं। बेस तो बहुत खतरनाक था। और राजू जी मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा बेस को। सिद्धांत को खत्म कर दिया दिग्विजय। सिद्धांत और नहीं है इधर स्ट्रीम के अंदर, उनको टाइम आउट भी दे दिया उनको। तो फिर देखिए राजेश जी आपका बेस है, ठीक है। आप टाइटन लीग में हो ब्रो, और आपको जो क्लैन का लेवल है वो तो लेवल तो बहुत ही खतरनाक लेवल है। उस क्लैन का लेवल लेवल 19 है, बहुत ही गजब। शायद ये वाला क्लैन आप लोग बहुत दिनों से मेंटेन कर रहे हो, ऐसा है ना। ओके। और आपके पास जो एक्सपी है वो 170 का, और आपके पास जो क्लैन का लोग है वो भी बहुत बढ़िया वाला है। और आपके पास देखिए 3 हीरोज अवेलेबल है, लेवल 32 का आपके पास है बार्बिन किंग, लेवल सेकेंड वाला जो आपके पास है हीरो वो है लेवल 39 का। उसके बाद जो आपके पास ये है मतलब ग्रैंड रॉडिन चचा जी है, उनका लेवल बहुत ओपी है, उनका लेवल भी बहुत अच्छा है लेवल 14 का। हमारा है लेवल 11 का। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हो, मतलब अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते तो उनका लेवल भी 14 हो जाएगा। तो इनका एबिलिटी पूरा डिपेंड करता है इन इन लोगों के लेवल के ऊपर, इन हीरोज़ के लेवल के ऊपर। हेलो, ओके। तो ये वाला भी गया, इसको भी रिपोर्ट मारते हैं।
भाई साहब हेरासमेंट और बुली मत कीजिए इधर, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं नहीं आया इधर, ये जो अच्छे भले बंदे हैं यूट्यूब के अंदर उन लोगों के लिए मैं आया हूँ, तो ऐसा ये सब मत कीजिए इधर। अगर करोगे तो मैं रिपोर्ट तो मारूंगा ही, रिपोर्ट मारूंगा ही, और उसके बाद बैन भी मारूंगा भाई साहब, सभी को मारूंगा जो लोग ऐसा करेंगे, है ना, सभी को मारूंगा। चलिए, और भी अगर आईडी से ये आता है तो उसको भी मारूंगा। देखिए इनके पास जो ट्रूप्स है, मतलब राजेश जी आपके पास ये सारे ट्रूप्स अवेलेबल, लेवल 7 का लून है आपके पास, लेवल 5 का आपके पास जो है माइनर है, लेवल 7 का गोलेम है, लेवल 8 के इनके पास विजर्ड, लेवल 2 के इनके पास है। चाय पी लो भाई साहब, आप भी ज़्यादा हमसे पंगा मत लीजिए, ठीक है? आप भी अपने दायरे में रहिए। और लेवल 2 का आपके पास है इलेक्ट्रो ड्रैगन, उसके बाद आपके पास जो स्पेल्स जो है, और अगर आप चाहते हो कि हम बहुत ही बुरी तरीके से बोल रहे हैं और आपको अगर हमारे जो यूट्यूब का चैनल है अगर पसंद नहीं आ रहा है ना, आप एक काम कर सकते हो ब्रो, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए डार्क गेमर YDG, और अनसब्सक्राइब कर देने के बाद एक डिसलाइक भी मार दीजिएगा, ठीक है? आपको आपका जो रूह है ना, रूह है उसको बहुत सारा ठंडक पहुँचेगा इससे। तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, एक डिसलाइक मार दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का औकात ही ये है अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हो, ठीक है? स्पेल आपके पास है देखिए लेवल 8 का, अच्छी तरीके से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, वो करने नहीं दे रही है। लेवल 8 का आपके पास है लाइटनिंग स्पेल, लेवल 7 के इनके पास है हीलिंग स्पेल, लेवल 5 के इनके पास है, मतलब राजेश जी के पास जो है लेवल 5 के इनके पास है रेज स्पेल है, लेवल 3 का हैश स्पेल है। तो फिर चलते हैं इनका जो बेस है, हम दिखा देते हैं इनका बेस। भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई मैंने यार, ठीक है हम देखते हैं कि आपने कुछ कहा या फिर नहीं, देखते हैं। ओके तो राजीव जी आपका बेस है, कुछ माइंड मत कीजिएगा उसके लिए। तो हम चलते हैं वापस, मतलब वापस आते हैं इस स्ट्रीम के माहौल में, इस जो स्ट्रीम का अच्छा वाला इन्वायरमेंट हम बनाना चाहते हैं उसके अंदर वापस आते हैं। देखिए आपके पास आर्चर टावर है लेवल 15 का, और उसके बाद आपके पास विजर टावर है लेवल 10 का, लेवल 2 के ईगल आर्टिलरी है, लेवल 9 का एयर डिफेंस है, उसके बाद आपके जो मोर्टर है लेवल 9 का, ठीक है? आई एम गुड पर्सन। ओके हम देखेंगे, कुछ दिन रह जाइए इधर स्ट्रीम में, आते जाते रहिए, हमको उसके बाद पता चल जाएगा। और कैनन आपके पास जो है लेवल 14 को, आप उनका लेवल भी बढ़ा रहे हो और उनको आपने गियर अप करके तो ऑलरेडी रखा ही है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया, वो देख कर हमको बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा तगड़ा कैनन आप बना रहे हो ब्रो। और ये बाद में काम आएगा जब आप वार खेलोगे, या फिर अभी भी बहुत ओपी है ये वाले कैनन्स, क्योंकि इनका लेवल तो बहुत ही खतरनाक है और इनका जो डैमेज वो हमको पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैनन हमारे पास भी है, तो बहुत ही बढ़िया ब्रो। और उसके बाद आपके पास जो ग्रैंड वार्डन है वो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये आपके पास है ग्रैंड वार्डन, उसके बाद आपके पास जो और भी हीरोज है, हम एक एक करके सभी हीरोज को दिखाएंगे, ठीक है? आपके पास है बार्बीजन किंग जी, तो फिर चलिए आपके पास जो आर्चर क्वीन है वो किधर गया? अच्छा आर्चर क्वीन को आपने अपडेट पे बिठाया, तो आर्चर क्वीन का लेवल भी बहुत अच्छा वाला है आपका, है आर्चर क्वीन। और उसके बाद ये है इधर स्टोरी स्टैचू, और एक्सबो का लेवल भी बहुत गजब वाला है, लेवल 5 का एक्सबो है। और आपके पास जो बॉम्ब टावर है ये लेवल 6 का, ठीक है? इन्फानो टावर का लेवल भी बहुत खतरनाक है वैसे, लेवल 5 के इन्फानो टावर आपने रखा है बेस के अंदर। और कुछ कुछ यूनिक वाला आपने करने यूनिक वाला करने की कोशिश किया आपने यूनिक करने की कोशिश सॉरी यूनिक करने की कोशिश किया आपने, बीच में कुछ बनाया आपने या क्या बनाया आपने हमको ज़रूर से बोलिएगा, ठीक है? कुछ आपने लिखा है शायद, और मैं इन लोगों की तरह दूसरों के स्ट्रीम पे जाके हेट नहीं फैलाता। ओके कोई बात नहीं डार्क गेमर जी, नॉट अ प्रॉब्लम। और प्रतीक जी आपने अपना आईडी दिया है, हम जरूर से आपका आईडी दिखाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इनका बेस पूरी तरीके से कंप्लीट करके मैं आपके बेस के अंदर आता हूँ, आपका बेस दिखाता हूँ। और आपने शायद कुछ अच्छा ही लिखा होगा इधर, राजेश। ओके ओके यो ओ आर है, हमको वो पता ही नहीं चला कि आपने उधर क्या लिखा है, बट ए जी ये जो सारी चीज़ें ना आर के बाद वो हमको एकदम से लग रहा था कि आपने लिखा है, तो आपने राजेश लिखा है तो बहुत ही बढ़िया ब्रो, क्या ही आपने क्रिएटिविटी दिखाया है इधर, तो उसके लिए एक थम्स अप आपको और थैंक यू वेला बेस हमको दिखाने के लिए। तो फिर चलते हैं प्रतीक जी के बेस के अंदर, उन्होंने भी अपना बेस दिया है इधर।
उनका बेस हम दिखाते हैं आप, अभी अब है उनका बारी, उनका टर्न है आप, तो जल्दी से दिखाता हूँ मैं उनका बेस, जल्दी से जाएंगे और धीरे से आएंगे, ठीक है। ओके ब्रो, ये आपका बेस है, आपका नाम इधर एयर लब है, और आपका जो आपको जो लीग है वो चैंपियन लीग है, और आप बहुत ही ओपी तरीके से पुश कर रहे हो, आपका जो ऑल टाइम बेस्ट है वो लेजेंड लीग है, ठीक है। आपके पास जो क्लैन है उसका उसका लेवल है लेवल 20, और डार्क गेमर मैं आपको ये बेस दिखाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। और देखिए आपके पास तीन हीरोज अवेलेबल है, एक है 41 का, दूसरा वाला है 50 का, और लास्ट वाला है 22 का। सेज मशीन आपके पास एक अवेलेबल है ब्रो, बट कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके इन और जो सेज मशीन आपके क्लैन के अंदर, सॉरी आपके आईडी के अंदर है, उन सारे सेज मशीन को भी आप अनलॉक कर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए जो आपके क्लैन के अंदर है ना। और ट्रूप्स आपके पास देखिए बहुत सारे हैं, लेवल 7 का लून है, लेवल 8 का विजर्ड है, लेवल 5 का माइनर है, लेवल 2 का इलेक्ट्रो ड्रैगन है, लेवल 6 का आपके पास है वैल्करी है स्पेल, आपके पास देखिए लेवल 8 का लाइटनिंग स्पेल है, लेवल 7 का आपके पास न्यू है। ओके ब्रो, ओके नॉट अ प्रॉब्लम, न्यू बेस है तो उसके उसके मुताबिक बहुत ही बढ़िया बेस है, बहुत ही बढ़िया बेस है। तो और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पुश भी किया था एक टाइम। उसके बाद हम थोड़ा सा और बोल देते हैं, लेवल 6 का फ्री स्पेल है, लेवल 5 का अर्थक्वेक है, तो फिर लेवल 5 का अर्थक्वेक है, तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, आपका बेस कैसा है हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये आपका बेस है ब्रो, देखिए आपके पास जो ग्रैंड वार्डन है, आपके पास ग्रैंड वार्डन चचा जी, उनका लेवल भी बहुत अच्छा है, लेवल 22 का ग्रैंड वार्डन है आपके पास। और उसके बाद आपके पास जो आर्चर क्वीन है वो भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, TH9 से लेजेंड पुश किया था। ओके ब्रो, ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ब्रो। तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे तरीके से अटैक देते हैं, तो आप तो शायद CWL खेलते ही होगे, है ना। और CWL में अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए हो, हमको ज़रूर से बोलिएगा, मुझको ज़रूर से बोलिएगा कि कौन से पोजीशन में हो आप लोग। प्रतीकोप, यहाँ प्रतीक जी का बेस बहुत ही अच्छा है, और ये हमारे प्रतीक भाई साहब बहुत ही अच्छी तरीके से पुश किए थे एक टाइम पे, जो जब ये डाउनहॉल 9 में थे। एक्सबो इनके पास जो है लेवल 5 का, उसके बाद मॉर्टर है इनके पास लेवल 10 का, इनके पास जो एयर डिफेंस और 9 से 10 कर रहे हैं। उसके बाद एक्सबो को, एक्सबो का लेवल के बारे में तो हमने बोला है कि इनके पास जो एक्सबो है वो कितने लेवल का है, लेवल 7 का। इनके पास एयर स्वीपर है, लेवल 15 का आर्चर टावर है जो इन्होंने गियर अप करके रखा है, बहुत ही बढ़िया उसके लिए। कैनन जो इनके पास है लेवल 15 का है। उसके बाद इनके पास विजेट टावर है लेवल 10 का, ठीक है। बॉम्बर टावर इनके पास है लेवल 6 का। उसके बाद क्या ही बोलूँ इन बेस, इनके बेस के बारे में। और उसके बाद जो इनके पास ईगल आर्चर है वो लेवल 2 का, ठीक है। तो आर्चर को इनको मैंने शायद दिखा ही है। ओके ओके, और इनके पास जो वॉल है उनका लेवल भी है लेवल 12 का, और कुछ वॉल के लेवल तो लेवल 11 से है। तो इनके बेस के अंदर सभी वॉल मिक्स करके है, मतलब कुछ वॉल्स है लेवल 11 का, कुछ वॉल है लेवल 12 का। तो सभी वॉल को आप 12 या फिर हाँ 12 कर लीजिए, आप तो 11 नहीं कर पाओगे जो आपने 12 कर लिया ऑलरेडी, तो आप सभी वॉल्स को 12 कर लीजिए, ठीक है भाई। आई एम चैलेंज यू। ओके, आपने हमको चैलेंज दिया, कौन से गेम में चैलेंज दिया आपने हमको। और मैं आपका, तो फिर चलते हैं हम वापस, ठीक है। मैंने आपका बेस दिखा दिया, अच्छा बेस बनाया आपने बहुत। ओके, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स प्रतीक। अभी 11 क्लास का एग्ज़ाम है, ख़त्म होने के बाद एक्टिव होऊंगा। ओके ओके प्रतीक जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छी तरीके से दीजिएगा, अच्छा मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाइएगा उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बेस के अंदर, डार्क गेमर जी के बेस के अंदर चलते हैं, उनका बेस कैसा है हम थोड़ा सा दिखा देते। और 12 का एग्ज़ाम भी बहुत मेन होता है ब्रो, है ना। 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 12 का एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से दीजिएगा और अच्छा मार्क्स लाइए कि उस वाले एग्ज़ाम में भी। ओके हाँ विपुल जी, आज से CSE में आप हमको चैलेंज देना चाहते हो, ये दिया क्या। ओके प्रतीक, ओके ब्रो, ओके गुड लक फॉर योर ओपी एग्ज़ाम। ओके, तो ये आपका बेस है डार्क, डार्क गेमर जी आपका बेस है। तो फिर चलते हैं आपका, आपके बेस के अंदर। उसके पहले हम थोड़ा सा बोल देते हैं आपके आईडी के बारे में, आप तो क्रिस्टल लीग में हो ब्रो। हाँ यही तो था, आप क्रिस्टल लीग में हो और आपका ऑल टाइम बेस्ट भी क्रिस्टल लीग है,
और आपका जो क्लैन का नाम है रिक्वेस्ट एंड लीव, और आपका क्लैन का लेवल है लेवल 3, आपका जो एक्सपी है 76 का है। यही तो मैंने लिखा है YCGPRVRQJ, यही तो मैंने लिखा है इधर। और आपके पास दो हीरोज अवेलेबल है, एक है लेवल 12 का और दूसरा वाला है लेवल 15 का। आपके पास जो ट्रूप्स है वो आप देख लीजिए, लेवल 6 का आपके पास रून है, बहुत ही ओपी ट्रूप्स के लेवल है आपके, और बहुत सारे ट्रूप्स भी अवेलेबल है आपके इस बारे आईडी के अंदर। लेवल 6 का आपके पास विजर, लेवल 4 का आपके पास हीलर है, लेवल 4 का ड्रैगन है, लेवल 3 का आपके पास है पेक का, लेवल 1 का वैल्क्रे, लेवल 3 का आपके पास है गोल है। स्पेल जो आपके पास है वो आप लोग देख लीजिए, मतलब वो आप लोग देख लीजिए एक बार से। सभी स्पेल के बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। टेक माई कुणाल भाई आईडी इन क्लैन फॉर चैलेंज, ओके ओके, आपका जो कुणाल वाला आईडी है हम ज़रूर से लेंगे आपको हमारे क्लैन के अंदर, उसके बाद आप हमको चैलेंज देंगे और हम देखते हैं क्या ही कर पाते हैं, ठीक है। लेवल 5 का आपके पास लाइटिंग स्पेल, लेवल 6 का आपके पास हीलिंग, लेवल 5 का रेज, और लेवल 1 का आपके पास डार्क मतलब अर्थक्वेक, सॉरी अर्थक्वेक है आपके पास। और नूब तो ब्रो हम हैं नूब है ना। और उल्फ हाउ आर यू ब्रो एंड वेयर आर यू फ्रॉम उल्फ, यूट्यूब और यूट्यूब इज़ नॉट शोइंग यू, आई कैन सी यू इन दिस ऑमलेट टारगेट, सो वेयर आर यू फ्रॉम उल्फ एंड यू हैव गेव मी योर आईडी, आई विल डेफिनेटली शो योर आईडी हियर इन दिस स्ट्रीम। And if a new year wolf, then please like this stream and subscribe this channel, then it will be very much helpful for us, for me. Okay, please do that wolf. And what is your real name wolf, tell me. Let me know your real name. Okay. So, ये आपका बेस है, देख लीजिए एक बार से। आपका जो क्लैन का लेवल है लेवल 5 का है, उसके बाद कैन का लेवल भी बहुत अच्छा है, लेवल 10 का है, लेवल 7 का विजर्ड है आपके पास। उसके बाद आपका जो मॉर्टर है लेवल 6 का, आपके पास जो एयर डिफेंस आप लेवल 6 से 7 कर रहे हो बहुत ही बढ़िया, और एक तो ऑलरेडी लेवल 6 का है ही, और लेवल 6 से 7 कर रहे हो, 6 से 7 कर रहे हो, और एक एयर डिफेंस का विजर्ड टावर आप 6 से 7 कर रहे हो इधर। और क्या ही बोलो, और इस बेस के बारे में थोड़ा सा और बोल देते हैं। और आर्चर टावर जो आपके पास है लेवल 11 का इधर, और आपके पास आर्चर क्वीन है वो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। आपके पास आर्चर क्वीन अगर इनका स्किन होता तो बहुत ही बढ़िया होता। तो ये आपके पास बार्बेरियन किंग, तो एक्सबो भी है आपके बेस के अंदर, वो है लेवल 3 का, और आपके पास एयर स्वीपर है वो लेवल 4 का। तो फिर चलते हैं हम बैक हमारे होम विलेज के अंदर चलते हैं। बेस बहुत ही अच्छा बनाया है और इधर थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया है, देख लीजिए आप लोग। और कुणाल विपुल जी और एक बार प्लीज़ 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 मैं बोलूँगा प्लीज़ और एक बार आप दीजिए, ठीक है, और एक बार दीजिए आपका आईडी विपुल जी, तो उसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ इस क्लैन के अंदर, है ना। और उल्फ आई एम शोइंग योर आईडी टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, सो प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, एंड इफ ए न्यू ईयर दैट प्लीज लाइक दिस चैनल, सॉरी लाइक दिस स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो प्लीज डू सपोर्ट दिस स्मॉल यूट्यूबर, ओके ओके। एंड वुल्फ वेयर आर यू फ्रॉम, यू हैवंट टोल्ड मी येट, इन विच कंट्री डू यू लिव इन, ओके। सो वुल्फ ये आपका बेस है, आप गोल्ड लीग में हो ब्रो, और आपका जो क्लैन का लेवल है लेवल 6 का है। उसके बाद आपके पास हीरोज, दो हीरोज अवेलेबल है, एक है लेवल 20 का और सेकंड वाला लेवल 17 का। ट्रूप्स आपके पास देखिए, जो जो ट्रूप्स आपके पास है, लेवल 6 का लून है आपके पास, लेवल 6 का विजर्ड है, लेवल 4 का आपका ड्रैगन है, लेवल 4 का पेक का, लेवल 4 का आपके पास है वैल्करी। स्पेल आपके पास है लेवल 6 का लाइटनिंग स्पेल, लेवल 5 का आपके पास है रेज, लेवल 2 का फ्रीज, और लेवल 1 का आपके पास है क्या, अर्थक्वेक स्पेल। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, आपका बेस कैसा है हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। शायद आपका बेस बहुत ही गजब वाला होगा, हमको लगता है आपका बेस बहुत ही गजब वाला है, और हम आ चुके हैं आपके बेस के अंदर। देखिए ये आपका बेस है, तो शुक्रिया इस बेस को हमको दिखाने के लिए, देने के लिए, मतलब आप दिए हो उसके बाद ही हम दिखा पा रहे हैं ये वाला बेस को। और वुल्फ वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो, वुल्फ टेल मी इन विच कंट्री डू यू लिव इन एंड इन विच लैंग्वेज आर यू राइटिंग ब्रो, राइट इन इंग्लिश, ओके। सो ये आपका बेस है, देखिए विजर्ड टावर है लेवल 7 का, लेवल 11 का आर्चर टावर है, लेवल 7 का एयर डिफेंस इधर आपने रखा हुआ है, लेवल 11 का कैनन है इधर, लेवल 7 का विजर्ड टावर मैंने तो बोला ही,
ओके, एक्सबो भी आपके बेस के अंदर, लेवल 3 का एक्सबो है आपके इधर, और लेवल 7 का मॉर्टर है इधर, और लेवल 5 का एयर डिफेंस। चलो चलो भाई ब्रो, कल मिलता है, ऐसा ही आगे बढ़ते रहो, बेस्ट विशेस फॉर यू। ओके डार्क गेमर वाईटी जी, थैंक यू आपके बेस्ट विशेस के लिए, और शुक्रिया स्ट्रीम में आने के लिए आज, और चलिए गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं, ठीक है। ओके तो फिर चलते हैं, मोटर आपके पास लेवल 7 का, या सुपर आपके पास लेवल 5 का, तो फिर आपके पास जो बार्बियन किंग है वो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, या आपके पास बार्बियन किंग है उनका एक हाथ अभी टूट जाएगा, तो चलिए बोलने के तुरंत बाद ही इनका हाथ टूट चुका है, और ये फिर से लगा लेंगे ये वाले हाथ को, तो बहुत ही बढ़िया उस वाले एनिमेशन के लिए, हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला एनिमेशन। तो ये देखिए, ये आपके पास आचर क्वीन जी, कितने बजे लाइव आओगे कल? आई डोंट टी वाई नॉई मतलब ओके, मैं कल लाइव आऊँगा वो 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे मैं कल लाइव आऊँगा, तो आ जाएगी उस टाइम पे। एंड उल्फ, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल ब्रो, आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज उल्फ, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम, ओके, देन प्लीज 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 ब्रो लाइक दिस स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल बी, यू नो ब्रो, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, सो प्लीज़ डू दैट ब्रो। ओके कल 10:30 बजे मिलता है, ओके ओके आ जाइए 10:30 बजे। तो वुल्फ, ये आपका बेस है, देख लीजिए क्या ही बोलो, और बेस के, हाँ ब्रो बिग फैन तो हम आपके हैं। ओके यार स्वीपर तो मैंने बोला ही, लेवल 5 का है, बॉम्बर टावर है आपके पास 3 का, और वॉल का लेवल भी बहुत अच्छा वाला है, देख लीजिए मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ, 10 का वॉल है आपके पास। ओके ब्रो, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ब्रो, ओके दो गुड नाइट, कल मिलते हैं। और इधर वॉल का लेवल जो है वो 9 का है, देख लीजिए। तो फिर बेस तो बहुत ही अच्छा बना है, बाहर की तरफ से भी आपने बहुत साफ सुथरा रखा है ये बेस, सॉरी साफ सुथरा रखा है ये बेस। तो फिर चलते हैं वापस, रिटर्न हम करते हैं, ओके, और थैंक यू वाला बेस हमको दिखाने के लिए। तो फिर एक अटैक दे देते हैं, जानने का मन नहीं कर रहा आपको स्ट्रीम, अरे कोई बात नहीं, अगर आज नहीं जाओगे कल फिर से कैसे आओगे, आज चले जाओ कल फिर से आओ, ठीक है, यही तो रूल है ज़िंदगी का, अगर आज नहीं जाओगे तो कल कैसे आओगे। मीना, मीना इंगसेन, मीना इंगसेन, हाउ आर यू एंड वायर आर यू फ्रॉम, प्लीज डू टेल मी दैट, एंड इन विच कंट्री डू यू लिव इन, एंड कैन यू स्पीक इंग्लिश, इफ येस देन प्लीज रिप्लाई मी इन इंग्लिश, ओके, बिकॉज आई ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, एंड एक्सेप्ट दिस 3 लैंग्वेजेस, आई डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज।
एंड इफ यू आर न्यू इन दिस स्ट्रीम देन प्लीज प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम ओके एंड इफ यू आर न्यू इन दिस स्ट्रीम एंड वेयर आर यू फ्रॉम प्लीज टेल मी दैट इन विच कंट्री डू यू लिव इन एंड इफ यू आर न्यू ईयर देन प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम ओके एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दिस चैनल इफ यू सब्सक्राइब इट ओके कंप्लीट दैट 400 सब्सक्राइबर गोल which I have kept it. I know that it will be very much hard for me to complete that 400. It will be very much hard for us to complete that 400 subscriber goal. But to do that, I know you guys can do it. So try to do that. I'll be very much happy if you subscribe this channel. Okay, Norway. Okay, you are from Norway. The Norway is nice place. Okay, and are you a girl? Or okay, so let's attack this base. I think it's an easy one, but let's try. अरे भाई साहब मैसेज डिट्रैक्ट हो जा रहे हैं ऑलरेडी अपने आप ही मैसेजेस डिट्रैक्टेड हो जा रहे do let me know that you are enjoying this attack or not. Sean, how are you, bro? Welcome to the stream. Okay, welcome to the stream, Sean. And where are you from? Please tell me that in which country do you live in? And welcome to this stream. And if you're new here, then please like this stream, okay? Please like this stream. Each and every day I do stream, I am trying my best. So please support this small YouTuber by subscribing this channel. Okay, so please do subscribe this channel. And if you want to know something from me related to this game or any other game such as Free Fire or PUBG, then please let me know that what do you want to know. And if you're new here, please subscribe this small channel, small YouTube channel of 309 subscribers. Okay, so acha Kunal aa chuke hai bhai saab inke paas to bahut hi acha base hai. Los Angeles, okay. I'm very much lucky, bro, that people are joining this stream from Los Angeles. Thank you for seeing this stream from Los Angeles. And in Los Angeles, what's the time now in Los Angeles, bro? Let me know. Please tell me that is there AM or PM? And tell me the exact time of Los Angeles right now. Okay. Two AM. Okay. They are in Los Angeles. Now it's now 2 AM. Okay, bro, but here it is, it's 1 AM in India. Okay, I'm back. Okay, Dark Gamerji, thank you for coming back. And Shari Streamer, where are you from, bro? Are you from India or from other countries? Do let me know, okay? Then it will be very much helpful for me to communicate with you guys. Okay, so please do tell me. And do you understand English or Hindi or Bengali?
बिकॉज आई कैन स्पीक इन थ्री लैंग्वेजेस, ओनली इन थ्री लैंग्वेजेस एक्सेप्ट दिस थ्री लैंग्वेजेस, आई कांट स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेजेस। अटैक कौन से वाले बेस को? अच्छा आपका जो कुणाल वाला बेस है वो क्या विपुल जी, वो वाले बेस को हम अटैक करें क्या? आप वही बोल रहे हो क्या? ओके आप पंजाबी हो, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए मैं आपके बेस के अंदर, सॉरी तो चलिए आप अंजे लिविंग इन पोर्तुगल। ओके तो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ रहा है हमारा हिंदी, है ना? बोल के दिखाओ एक बार, बाद में बोलते हैं डार्क गेमर जी, थोड़ा बाद में बोलते हैं। विपुल जी मैं इनका बेस दिखा देता हूँ, ठीक है? इनका बेस हम दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको अटैक दे के अटैक देने के लिए जाता हूँ। और आप लेफ्ट क्यों कर गए ब्रो? आप आ जाइए फिर से, एनीवन ज्वाइन तो है ये वाला जो हमारा क्लैन है, तो आ जाइए फिर से आके हमको चैलेंज दीजिए, ठीक है? इनका बेस हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। आई हिट टू लेजेंड। ओके तो हम थोड़ा सा हिंदी में बोलते, ठीक है? क्योंकि हिंदी हमारा हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है। तो आपके पास देखिए ये आपका बेस है, ठीक है? हम आ चुके हैं आपके बेस के अंदर। आप क्रिस्टल लीग में हो इस टाइम पे, और आप लेजेंड लीग में भी थे एक टाइम पे, और वो आपका ऑल टाइम बेस है, ठीक है? कैसे आप लोग फर्स्ट टाइम इन द TH10 लेजेंड? ओके बहुत ही बढ़िया ब्रो, बहुत ही बढ़िया, क्या ही अचीवमेंट कर रहे हो आप, बहुत ही खतरनाक। कैसे आप लोग? इट्स अ लिटिल बिट इंग्लिश दैट आई नो। ओके हमारा इंग्लिश आपसे भी ख़राब है शॉन जी, तो थैंक यू स्ट्रीम में आने के लिए, ठीक है? थैंक यू। कैसे आप लोग ब्रो? शॉन जी क्या ही मजाक करते हो, बोलते हो लॉस एंजलिस से हो, लॉस एंजलिस से हो आप, लॉस एंजलिस बोलते हैं ना, हाँ लॉस एंजलिस से हो आप, बट आपको तो पता है हिंदी अच्छा वाला। ओके तो चलिए प्रोग्रेस करते हैं आपके बेस के अंदर, सॉरी आई मीन हिंदी, हाँ शायरी जी आपके बेस के अंदर चलते। तो ये आपके पास देखिए ट्रूप सेक्शन है, लेवल सेवन का लून है आपके, लेवल सेवन का आपके पास विजर्ड है, लेवल फाइव का आपके पास माइनर, लेवल टू का इलेक्ट्रो ड्रैगन है, लेवल 30 का आपके पास जो हीरोज है, लेवल 30 का वाइब्रेंट किंग है, लेवल 42 का आपके पास है क्या, 42 का आपके पास आर्चर किंग, 14 का आपके पास ग्रैंड वार्डन चाचा जी, लेवल 6 का आपके पास फिश पे, लेवल 8 का आपके पास लाइटनिंग पे, हाँ हम तो हिंदी ही बोल रहे हैं, लेवल 7 का आपके पास हीलिंग, और लेवल 4 का आपके पास हैश, लेवल 5 का आपके पास अर्थक्वेक। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर। ओके इट्स योर फेमस यूट्यूबर एक्का स्ट्रीमर्स पिक अप लाइन, इट्स योर फेमस यूट्यूबर एक्का स्ट्रीमर्स। ओके टेक माय कुणाल आईडी फास्ट, हाँ हम ले रहे हैं आपको भाई, आप भड़क क्यों जा रहे हो? आप आ जाओ ना, पहले आप आ जाओ चैनल के अंदर, उसके बाद आप हमको मतलब चैलेंज कीजिए, ठीक है? कैरी मिनाती, हाँ हाँ कैरी मिनाती तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छे अच्छे वो गाने के वीडियो डालते हैं, उसके बाद वो रोस्ट भी करते थे पहले, बट अब तो वो करना बंद कर दिए हैं, बट लाइव करते हैं हर दिन तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले डालते हैं वो। ट्रैप्स वॉल एंड हीरोज रह गए एंड सम फोटो ट्रूप्स, ओके कैरी मिनाती, ओके तो बेस तो बहुत ही गजब का बनाया है, मैं वो बोल देना चाहता हूँ एक बार, फर्स्ट में ही बोल देना चाहता हूँ। और वॉल हमको बहुत ही पसंद है, और वॉल का जो लेवल है आपके बेस के अंदर वो है लेवल 11 का, और दो तीन वॉल आपके पास वो है लेवल 12 का, और उसके बाद देखते हैं आपके पास जो विजिट टावर है कितना लेवल का, वो है लेवल 10 का, आपके पास जो मोर्टर है लेवल 10 का है उधर, और कैनन भी है लेवल 15 का। तो बहुत ही बढ़िया बेस, बहुत ही एकदम खतरनाक बेस बनाया है आपने, बहुत ही जहरीला बेस बनाया है टाउन हॉल इलेवन के मुताबिक। और आपके पास ईगल आर्टी लेवल 12 का है, ठीक है? एक्स भी आपके पास लेवल 5 का इन्फोनट, और भी बहुत गजब का है लेवल 5 का है। आई फील सैड फॉर यू, क्यों शॉन जी आप हमारे लिए सैड क्यों फील करते हो ब्रो, सैड क्यों फील करते हो आप हमारे लिए, हमको बोलिए। हाँ देखिए एयर डिफेंस आपके पास है लेवल 9 का, यू आर वेरी स्ट्रगलिंग। हाँ ब्रो देखिए कैरी मिनाती जी मतलब वो तो हमसे बड़े हैं शायद, उन्होंने जब यूट्यूब चालू किया था उन्होंने भी तो बहुत स्ट्रगल किया था ना, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। जो भी हमारे बंदे यूट्यूब करते हैं वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, कुछ बंदों को छोड़कर तो स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं हासिल होता ब्रो। जो कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो ये आपके पास बार्बियन किंग है, ठीक है? ये आपके पास है आर्चर क्वीन जी, अगर इनका एक स्किन होता तो हमको बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही बढ़िया वाला अगर स्किन होता वो आप ले सकते हो,
क्यों नहीं ले सकते, आप ले सकते हो जेम्स को यूज़ करके, ठीक है। या आपके पास है ग्रैंड वार्डन चच्चा जी, उसके बाद आपका जो मॉर्टर लेवल 10 का है, ठीक है। और क्या ही बोलो आपके बेस के बारे में, सारे के सारे जो डिफेंस सिस्टम है आपके पास, मैंने तो बोल दिया उनके बारे में। लुक आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू आर वेरी स्ट्रगलिंग सो मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ वही बोल रहा हूँ कि मेरा जो मोटो है बोलने का, मेरा जो मॉडल है, मैं बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होता ब्रो। कैरी मिनाती जी ने, मतलब उन्होंने जब चैनल स्टार्ट किया था, पहले पहले उनका सब्सक्राइबर के नंबर बहुत ही कम थे उनके, तो बाद में जाके उनके सब्सक्राइबर के नंबर इंक्रीज हुए, वो एक अच्छी यूट्यूबर बने, है ना। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं वापस, बेस तो बहुत ही गजब, बहुत ही धुआंधार बनाया आपने, वॉल का लेवल भी बहुत अच्छा लगा हमको, वॉल्स के लेवल भी बहुत अच्छे लगा हमको। कैन यू टॉक इन इंग्लिश? हॉर्न शॉर्न आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट माई इंग्लिश इज टू वीक ब्रो, टू वीक। ओके शॉन, आई एम सेइंग दैट विदाउट स्ट्रगल इन नथिंग इज़ पॉसिबल ब्रो, नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट स्ट्रगल। सो यू हैव टू स्ट्रगल इन ईच एंड एवरी फील्ड, यू हैव टू स्ट्रगल, ओके। एंड आफ्टर डूइंग स्ट्रगल, आफ्टर स्ट्रगलिंग, वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, ओके। सो लेट्स गो बैक इन आवर होम विलेज, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू दैट, ओके। एंड like this stream, that's all I want to say, that subscribe this channel, like this stream, okay। तो विपुल जी, अगर आप अभी भी स्ट्रीम के अंदर हो ना, तो आ जाइए क्लैन के अंदर, आके हमको चैलेंज दीजिए, हम ज़रूर से आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। यप शॉन, यप, विदाउट स्ट्रगल नथिंग इज़ पॉसिबल, एंड इफ़ यू डू स्ट्रगल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सॉरी, विदाउट स्ट्रगल एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई वॉज रॉन्ग देयर, I said something wrong। अच्छा आपका तो ID ही नहीं आया ब्रो, आपने दिया है ID, आपका नाम क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रो, सॉरी, बट आपका ID इधर नहीं आया। अच्छा एडवर्ड, एडवर्ड हाउ आर यू एडवर्ड, एंड वेयर आर यू फ्रॉम, इन विच कंट्री डू यू लिव मी, सॉरी, इन विच कंट्री डू यू लिव इन, प्लीज डू टेल मी दैट, then it will be very much easier for me to understand your language, to communicate with you, and can you speak English bro? And Edward, you have gave me your ID, you have gave me the ID of your COC base, I will definitely show your ID here in this channel, sorry, in this stream, what I'm saying bro, France, I love your English, I know that my English is too weak bro. Okay, what are you doing in Valentine week? Nothing so special bro. Sean, nothing so special. Okay, so let me show you your base. I am writing your ID here in this search option, the search section, sorry. And what will you do, Sean? What will you do in this Valentine week? Means on 14th Feb, what will you gonna do? And Edward, this is your base, okay? And I've reached your base. I'm already here. And you are in Champion League bro, and your all-time best is Legend League, and the number of trophies are 5019, okay. War Stars owners are 749, and you have 3 heroes available bro, one is of level 45 and that is Barbarian King, second one is of 46 and the third one is of level 23 and that is our Grand Warden Chacha,
ओके, यू हैव वन सेज मशीन, यू हैव वन सेज मशीन अवेलेबल इन योर दिस आईडी, ओके, एंड यू हैव लॉट ऑफ ट्रूप्स, यू हैव लॉट ऑफ ट्रूप्स अनलॉक्ड, यू हैव अनलॉक्ड अ लॉट ऑफ ट्रूप्स हियर, एंड यू हैव ऑल द स्पेल्स अवेलेबल इन योर दिस वन आईडी, इन योर दिस आईडी. लेट मी से अबाउट सम ऑफ दोज ट्रूप्स. Here you have loon of level 6, after that you have wizard of level 8, and you have dragon of level 6, and you have pekka of level 7, and after that in dark troop you have level 6 wildcat, you have golem of level 7, and after that you have hog of level 6, okay, hog rider, I want to say that it's a hog rider, and that is of level 6, and in spell section you have level 8, lightning spell level 7, healing spell, and you have free spell of level 7, and you have hash spell of level 1. So let's check out your base, and I will say something about your base, that what type of defense system you have. Okay. So this is your archer queen, and the skin which she has is very nice, and this is one of the unique skin, sorry, and this is the unique skin which I have ever seen. Okay, after that you have a cannon of level 15 which I have geared up, and after gearing up, the power of that cannon really 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 grows. Okay, here you have cannon of level 15, after that you have exo of level 6 here, and you have air defense of level 5, sorry, level 9, and after that you have wizard tower of level 10, and here you have archer tower of level 15, and after that the level of the walls are really really nice. Okay, and the walls are of level 12. And let me show you your Grand Warden. Okay, this is your Grand Warden. The skin of this Grand Warden is also very nice. Okay, and his name here is Primal Warden, due to the skin. And what guys, what you are saying, bro? In which language are you speaking? You guys, tell me in English, bro. Because I can't understand those languages. I don't know that in which language you guys are speaking. Okay, so this is your Barbarian King. Okay, here is your Barbarian King, and his name here is Jolly King due to that skin. Okay, so nice skin, bro. Nice skin. Okay, here is your clan castle, and it's of level 8. And after that, you have army camp here, and that is of level 10. And there are three more army camp in your base. Okay. And here you have bomber tower of level 6, and you are upgrading your town hall from 3 star to 4 star, and your town hall is of level 12. Okay, so let's go back. Your base is really nice, bro. You have done a lot of creativity in your base. So here is your eagle artillery, that is of level 3. So let's go back to our home village. Let's see what is going there in our home village. Hello Tofik TH7, कैसे हो bro? Stream आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपको, और देखिए थोड़ा stream को, और आप जब आ ही गए हो तो कुछ देर रुक भी जाइएगा stream के अंदर, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा. तो शुक्रिया bro stream आने के लिए, welcome to the stream. और ये stream अच्छा हो जाता है जब आप लोग आते हो stream के अंदर, आके हमारा जो support है वो करते हो, हमारे साथ थोड़ा सा बातें करते हो, थोड़ा सा हमको एंटरटेन करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है. हिप हिप हुड़े शॉन, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? एडवर्ड, इन विच लैंग्वेज यू गाइस आर स्पीकिंग? टेल मी ब्रो, टेल मी, लेट मी नो ब्रो, लेट मी नो गाइस. एडवर्ड एंड शॉन,
मालिया वाइटी, कैसे हो ब्रो? स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप स्ट्रीम में आए उसके लिए। ये जो स्ट्रीम है बहुत ओपी बन जाता है जब आप लोग आते हो, आके स्ट्रीम को देखते हो, थोड़ा सा स्ट्रीम में आके हमारे साथ थोड़ा सा बातें करते हो, गपशप मारते हो, एक दूसरे का हालचाल पूछते हो, है ना? तो उसके लिए शुक्रिया स्ट्रीम में आने के लिए। ठीक है, तो आपने दिया है आईडी, मैं आपका आईडी दिखाता हूँ इधर, तौफिक। और देखिए थोड़ा स्ट्रीम को, कुछ ही देर के बाद मैं स्ट्रीम ऑफ कर दूंगा, तो तब तो और आप लोग देख नहीं पाओगे स्ट्रीम को। उसके बाद कल मैं जब आऊँगा तो फिर से तब होगा, बूम बाम होगा उस वक्त स्ट्रीम के अंदर। ओके तोफिक, तो ये आपका बेस है, ठीक है? तो ये आपका बेस है, देख लीजिए। आप टाइटन लीग में हो ब्रो, और आपका जो लीग है वो बहुत ही खतरनाक है। और आपको आप जो क्लैन के अंदर है, उस क्लैन का नाम है रॉयल एवेंजर। जो उस क्लैन का लेवल ही बहुत ओपी है, लेवल 9 के क्लैन है आपके पास। आपका जो हीरो है, आपके पास एक हीरो अवेलेबल है, वो है आपके पास बार्बिन किंग, उनका लेवल है लेवल 5। उसके बाद स्पेल आपके पास जो जो है, 3 स्पेल अवेलेबल है, एक है लेवल 4 का, और सॉरी तीनों के तीनों स्पेल आपके पास जो अवेलेबल है सभी के सभी लेवल 4 का है, ठीक है? ट्रूप्स आपके पास बहुत सारे, लेवल 4 का लून है, लेवल 4 का विजर्ड है, लेवल 2 का आपके पास ड्रैगन है, लेवल 2 का हॉग है। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, जाके देख के आते हैं आपका बेस कैसा है, आपने ये वाला बेस कैसा बनाया है। तो ये आपका बेस है, ठीक है? यार डिफेंस आपके पास लेवल 5 का है, तो लेवल 8 का आर्चर टावर है आपके पास, जो कैनन है लेवल 8 का है, ठीक है? देख लीजिए ये आपका बेस है, लेवल 5 का आपके पास मोर्टर है। और आप सभी लोग देख लीजिए, ये है हमारे तोफिक T7G का 7 का बेस, और वो भाई साहब ये बेस बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बेस बनाया है ये वाला। तोफिक यू आर बोगस भाई साहब, आपके पास आर्चर टावर जो है लेवल 8 का है, ठीक है? और यह आपने एक लॉगमस ट्री रखा है इधर, तो बहुत ही बढ़िया, उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला बेस उस लॉगमस ट्री के साथ। ये आपके पास है बार्बेरियन किंग, ठीक है? तो ये है यार स्वीपर, और टाउनर का लेवल जो है लेवल 7 का है। तो आपने कुछ दिनों पहले ही शायद खेलना चालू किया है, तो खेलते रहिए, धीरे धीरे ये वाला बेस भी बहुत गजब का बन जाएगा। जब आपका जो टाउन हॉल है वो 10, या फिर अगर जब ये 12 में चला जाए, तो इसका जो पावर है इस बेस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आप बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को भी अनलॉक कर पाओगे, उनका लेवल भी बढ़ा पाओगे। तो खेलते रहिएगा, ऐसा ऐसा मत कीजिए कि खेलना छोड़ मत दीजिएगा बीच में, और कंटिन्यू कीजिएगा खेलना, ठीक है? तो देखिए इधर आपने बहुत सारे फ्लैग्स रखा है, मतलब फ्लैग्स इंस्टॉल करके रखा है आपने आपके बेस के अंदर। तो देख लीजिए इन सारे फ्लैग्स को एक बार से, उसके बाद हम चलते हैं वापस हमारे होम विलेज के अंदर। ओके तो बेस तो बहुत ही अच्छा है ब्रो, तो फिर चलते हैं। और आप एक बढ़िया वाला लीग के अंदर भी हो, लव फ्रॉम कैलिफोर्निया भाई साहब। एक बार बोलते हो लॉस एंजलिस, उसके बाद बोलते हो कैलिफोर्निया। ओके क्या ही कर सकते हैं हम। और 17 मिनट के बाद हमारा जो ट्रूप्स है पूरी तरीके से हो जाएंगे ट्रेंड। ओके लव फ्रॉम इंडिया ब्रो, लव फ्रॉम इंडिया, अगर आप बोलना चाहते हो कि लव फ्रॉम कैलिफोर्निया तो लव फ्रॉम इंडिया भी। ओके आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड। वाई शॉन इज एनीथिंग रॉन्ग देयर फॉर विच यू कांट अंडरस्टैंड मी? ओके आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज हिंदी इन विच आई एम स्पीकिंग, एम आई राइट ब्रो? Yep, okay. I got that, bro. So what can I do?
देयर इज नथिंग टू डू ब्रो, माई हैंड्स आर फुल्ली लॉक्ड, सो टेल मी दैट इन विच वे आई कैन हेल्प यू. ओके इंडियन स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स. अरे भाई साहब ऐसा कुछ इंडिया इज नॉट फेमस. ओके आई मस्ट से दैट इंडिया इज फेमस फॉर इट्स मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो फॉर इट्स टैलेंट. ओके इट इज नॉट फेमस ओनली फॉर इट्स मैथमेटिक्स ओनली. इज फुल ऑफ टैलेंट, देयर इज फुल ऑफ टैलेंट इन इंडिया एंड आई थिंक यू नो दैट. ओके सो लेट मी शो हिज अटैक व्हाट इज गिविंग दैट ही इज गिविंग दैट ही. That he is performing on our home village. Let me show you that attack. Okay, he has already completed his attack. Okay, so we have won this attack, and our percentage here is 80%, and we have got 2 stars from this attack. So let's get back to our home village, and here our troops are not yet ready. After a few minutes these troops will be fully ready, and after that we'll be able to use them, and by using them I will gather some loot and I will take 2 or 3 stars from that enemy base. I know a little bit of French. Okay, you know what I don't know. I know a lot of Bengali. Okay, I think you have heard about it. You have heard about that language. I know Bengali also, and Hindi, and a little bit of English. हेलो ब्रो. हेलो ऐसा सोमदेव जी, कैसे हो ब्रो, कैसे हो? आज तो बहुत लेट हो चुके हैं आप, बहुत देर से आए हो आप स्ट्रीम के अंदर, बट नॉट अ प्रॉब्लम ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके ओ बंगाली, यप शॉन बंगाली. और ऐसा सोमदेव जी स्ट्रीम आने के लिए बहुत शुक्रिया. ओके यानी प्ले विथ मी फेम गेम ओपी. यप ब्रो मैं ज़रूर से खेलूँगा आपके साथ. कौन सा गेम आप खेलना चाहते हो हमारे साथ बोलिएगा. और यस आई हैव हर्ड इट. ओके कैन यू प्ले. और ऐसा सोमदेव जी सी में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. और लेट तो ओके ओके आप सो गए थे थोड़ा, कोई बात नहीं. शायद आपको जो जॉब है वो थोड़ा सा आज ओपी वाला था, थोड़ा उधर प्रेशर आपका थोड़ा ज़्यादा था, उसके लिए आप सो गए थे. बट कोई बात नहीं, ऐसा सोमदेव जी आप आए हमको बहुत अच्छा लगा. ठीक है थोड़ा टाइम निकल के आ जाइएगा अगर पॉसिबल हो. ठीक है अगर नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं, अगले दिन आएगा, कोई ऐसे इश्यू नहीं है. बट आए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा वो देखकर. थैंक यू आने के लिए. क्लैश ऑफ क्लैंस, आपका क्लैन कितने लेवल का है? हमारा क्लैन है लेवल 10 का ब्रो, लेवल 10 का क्लैन है हमारा. बट देखिए हम अब CWL खेल रहे हैं ना, CWL के अंदर हम अटैक दे रहे हैं और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम आप लोगों के क्लैन के साथ, आपके क्लैन के साथ कोई भी अटैक दे पाएंगे, मतलब आपके क्लैन के साथ कोई भी वार खेल पाएंगे, फ्रेंडली वार. सो थोड़ा बाद में ट्राई करते हैं. ठीक है ये CWL वार ख़त्म हो जाए, सॉरी ये CWL ख़त्म हो जाए उसके बाद. ठीक है आप हमारे क्लैन के अंदर आके उन लोगों के साथ बातें कर लीजिएगा, उन लोगों के साथ बात कर लीजिएगा कि हमारे क्लैन के अंदर जो लीडर है ना उनके साथ थोड़ा सा गपशप मार लीजिएगा कि आप हमारे क्लैन के साथ थोड़ा सा वो वार खेलना चाहते हो. नहीं जॉइन योर क्लैन. हाँ आ जाइए. बट देखिए 2 ही बंदे ऑनलाइन है इस टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि हमारा जो लीडर है वो ऑनलाइन है. अच्छा रसल भाई आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आपका आईडी दीजिए.
अरे ज्वाइनर क्लब फिर नीर नहीं नहीं आ तो यूट्यूब ओके ओके बहुत ही बढ़िया। ओली बार इन सीओसी टूर्नामेंट ये शॉन आई एम प्लेइंग सीडब्ल्यूएल मींस आई एम देयर इन सीडब्ल्यूएल एंड आवर क्लैन हैज पार्टिसिपेटेड इन सीडब्ल्यूएल सो एंड आई थिंक वी आर इन थर्ड पोजिशन। यस वी आर इन थर्ड पोजिशन सी ब्रो सी शॉन इन सीडब्ल्यूएल वी आर इन थर्ड पोजिशन एंड आवर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ आवर प्लान इज 480। ओके लेट मी शो यू दैट लाइव अटैक विच इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके ओके फेम गेम ओपी आपने दिया है आपका आईडी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ठीक है मैं आपको इस क्लैन के अंदर इनवाइट करता हूँ। तो वापस चलते हैं, इनको पहले इनवाइट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। बट आपका वो नहीं आया यूट्यूब के अंदर, नहीं आया आपका आईडी। थोड़ा सा रुक जाइए। ओके थोड़ा सा रुक जाइए। और फेम गेम ओपी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ब्रो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको बहुत ही सपोर्ट चाहिए आप लोगों की तरफ से। तो प्लीज़ डू दैट, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा उस एक सब्सक्राइब से। मैं शेयर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि हाँ थैंक यू ब्रो सब्सक्राइब करने के, तो आपने किया है उसके लिए बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं ना हर दिन स्ट्रीम करते हैं। अगर जिस दिन हमसे नहीं हो पाता स्ट्रीम, तो तब भी हम कुछ वीडियो डाल देते हैं। कर रहा हूँ मैं भी सीओसी लाइव कर रहा हूँ। ओके ओके तो फिर चलिए मैंने आपको इनवाइट कर दिया। ठीक है मैंने आपको इनवाइट कर दिया, आ जाओ। और आपका चैनल का नाम क्या है यूट्यूब के अंदर, चैनल का नाम क्या है आपका, आप हमको ज़रूर से बोलिए और मैं आपको सब्सक्राइब करके रखूँगा। और बाद में जब आप स्ट्रीम करोगे मैं आपके स्ट्रीम के अंदर भी आऊँगा, आपके साथ थोड़ा सा गपशप भी मारूँगा उधर। और असल भाई को चाहिए ये ड्रैगन, बट ड्रैगन तो फिलहाल के लिए चिकन। चेक माई चैनल वंस नाम क्या था, चेक माई चैनल वंस सैम नेम से चैनल है आपका। ओके यू आर अ बोगस माई फ्रेंड, बोगस सैम। अच्छा ठीक है देखते हैं सैम नाम से, ठीक है ब्रो देखते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो सेम नेम, भाई साहब मुझे लगा कि आपका चैनल का नाम है सैम ब्रो। हैप्पी चॉकलेट डे। ओके ऐसा सुन लेती, आज से हमारा प्रपोज डे था मतलब कल ब्रो। हैप्पी चॉकलेट डे आप सभी लोगों को जो लोग जानते हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में। ओके शॉन मैन शॉन जी आई वॉन्ट टू से यू दैट वाट आई वॉन्ट टू से यू दैट हैप्पी चॉकलेट डे टू यू। ओके आई थिंक यू नो अबाउट दैट वैलेंटाइंस डे। ओके आपके नेम से आपको वो जो है ना चैनल वो हम सर्च कर रहे, थोड़ा सा रुक जाइए। यूट्यूब के अंदर हम आ चुके हैं, फेम गेम ओपी। अच्छा ओके ब्रो आप लाइव कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। आपके जो सब्सक्राइबर के नंबर है वो तो ओपी है भाई साहब, बट थोड़ा वॉचिंग कम आ रहा है हमारे जैसे ही। ओके तो चलिए हमने सब्सक्राइब कर दिया और लाइव चैट के अंदर लिख रहे हैं, देखिए हम आपका जो लाइव चैट है उसके अंदर आपके लिख रहे हैं। भाई साहब आपको तो चैनल पूरी तरीके से मोनिटाइज्ड है ब्रो, बहुत ही बढ़िया ब्रो। टाइपिंग एरर नहीं है, चैनल तो आपका मोनिटाइज है, वो देखकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। ओके तो लिख रहा है, ठीक है देख लीजिए। देखिए एक चैनल है फेम गेम ओपी नाम से, ऐसा सोमदेव जी फेम गेम ओपी नाम से, तो उधर जाके उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है इनका जो एक चैनल है इन यूट्यूब के अंदर। अच्छा चलिए लिखते हैं, यह हमारा दूसरा आइडिया। ठीक है इस नाम से मैं आपको उधर लिख रहा हूँ, ड्रैगो ड्रैगोवर्स बोल के। मैंने आपको सब्सक्राइब भी कर दिया उस वाले अकाउंट से। योशन रात में नहीं आती वाचिंग। ओके
ओके हाँ, रात में बहुत ही कम वाचिंग आता है, दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा वाचिंग हो जाता है हमारे जो सी ओ सी लाइव स्ट्रीम करते हैं उनका। आई नो अबिट हिंदी, यप शॉन द फ्रेंड दिस फ्रेंड ऑफ आवर दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब ये जो हमारे चैनल के अंदर सब्सक्राइबर है शॉन नाम से, उनको हिंदी ज़्यादा नहीं पता है, वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और इंग्लिश उनको ज़्यादा पता है। मे आई ट्राई माई फ्रेंड, येस यू कैन शॉन, यू कैन स्पीक इन हिंदी इफ़ यू वॉन्ट टू एंड डू योर बेस्ट एंड यू कैन लेट मी नो और स्पीक इन इंग्लिश ब्रो, सॉरी स्पीक इन हिंदी एंड लेट मी हियर दैट हाउ यू कैन स्पीक इन हिंदी एंड हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर इन हिंदी। हाँ ऐसा सोमदेव जी, हमारा तो इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, हमको इंग्लिश का लेसन लेना होगा, नहीं तो इंग्लिश ठीक नहीं होगा। शॉन विस्लिंग नमस्ते। हाँ उसके बाद बोलिए, आफ्टर दैट, आफ्टर नमस्ते टेल समथिंग मोर। ओके टेल समथिंग मोर इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश। ओके मेरी भी बिल्कुल बदतर इंग्लिश। इंग्लिश तो टट्टी होके पढ़ा हुआ है हम लोगों का, और शॉन जी बोल रहे कि इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कई बोले उनको, अपना बेइज्जती कराने में लगे हुए हैं हम लोग, अपना बेइज्जती कराने में लगे हुए हैं। हाय हेलो कर लेता हूँ बस। हाँ आई एम लर्निंग हिंदी स्लैंग्स टू। भाई आप मत ही बोलिए हिंदी स्लैंग्स को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इधर। आप हिंदी सिर्फ बोलिए, नमस्ते बोलिए, ठीक है, आपको और नहीं बोलना, रहने दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप उतना बोले, नमस्ते। एंड शॉन आई थिंक यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ ब्रो, प्लीज़ डू नॉट अनसब्सक्राइब दिस चैनल इन फ्यूचर, देन इफ़ यू डू दैट इट विल बी वेरी मच पेनफुल फॉर मी एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ डीमोटिवेशन फॉर मी, सो शॉन प्लीज़ डोंट डू दैट ब्रो, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ डू नॉट अनसब्सक्राइब दिस चैनल लेटर, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब दिस चैनल येट देन इट्स ओके नॉट अ प्रॉब्लम ब्रो। आदित्य गेमर इज़ बैक, भाई साहब क्या ही नाम है ब्रो, बहुत ही गजब का नाम आपने रखा है, आदित्य गेमर इज़ बैक। तो कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया, वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज आप पहले आए हो स्ट्रीम के अंदर, तो देखिए थोड़ा स्ट्रीम को, ये वाला जो हमारा चैनल है वो छोटा मोटा सा एक चैनल है, मैंने कुछ ही दिन पहले ओपन किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग इधर आ पाओ, एक हम इसके इसके हेल्प से हम एक यूट्यूब फैमिली बना पाए, तो ये मेरा कोशिश है। तो अगर आप इधर सब्सक्राइब करके रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वेलकम टू द स्ट्रीम। और सौरभ चौधरी जी कैसे हो ब्रो, स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को जो आप लोग स्ट्रीम के अंदर आए है ना, और आप लोग जो आते हो स्ट्रीम के अंदर तभी ये स्ट्रीम अच्छा होता है, तभी ये स्ट्रीम चल पाता है, तो ऐसे स्ट्रीम के अंदर आते रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, तो बहुत ही गजब बन जाता है ये स्ट्रीम एकदम। तो एक स्ट्रीम तभी अच्छा होता है जब उसके अंदर हमारे व्यूअर्स आते हैं, उस स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं, वो लोग आके हमारे साथ बातें करते हैं, उस स्ट्रीम को देखते हैं, तभी वो स्ट्रीम अच्छा होता है ना। न्यू सब्सक्राइबर ओके आदित्य गेमर जी, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और भाई इंडियन है तो हिंदी बोलो। हाँ हम हिंदी बोल रहे हैं बट मुझे नहीं लगता कि शॉन शॉन जी इंडियन है, बट उनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो हिंदी नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश बोल देंगे, हम उतना भी अच्छा नहीं इंग्लिश में बट उनके लिए बोल देंगे। ओके सौरभ जी आपने दिया है आपका आईडी, ओके मैं आपका आईडी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चलिए आपके बेस के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपका आईडी कैसा है, आपने कैसा बेस बनाया है, गजब वाला या फिर खतरनाक या फिर फार्मिंग विलेज बनाया है, हम देखते हैं जाके, ठीक है।
और आप लोग CWL खेल रहे हो क्या? जो भी हमारे नए बंदे आए हैं इस वक्त स्ट्रीम में आके जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे नए बंदे, तो वो लोग CWL खेल रहे क्या? आप लोग CWL में पार्टिसिपेट किए हो क्या? क्योंकि आप लोग तो COC के रिलेटेड, COC से ही आए हो स्ट्रीम में, और ये COC का स्ट्रीम ही चल रहा है। गुड नाइट भाई आदित्य गेमर जी, नॉट अ प्रॉब्लम ब्रो, आप कल फिर से आइएगा, क्योंकि आज तो आप आते ही बोल रहे हो गुड नाइट। ओके, तो कल फिर से आएगा, कल भी मैं स्ट्रीम करूँगा, तो ये सेम टाइम है, इस टाइम पे आ जाएगा। ओके, या फिर इस टाइम से कुछ पहले आएगा, इस टाइम पे नहीं, इससे कुछ पहले आएगा, इस वक्त से कुछ पहले वक्त, मतलब होता है ना, अब तो शायद 1:35 है, आप 1:25 या फिर 1:20 को आइएगा, तो कुछ देर तक हम बात कर पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छी तरीके से। अल हबीबी वल्ला बच्चा हाय साहब, शॉन शॉन व्हाट इज राइडिंग ब्रो, यू आर वेरी फनी ब्रो, गुड नाइट। ओके हाँ भाई हाँ, ओके आदित्य गेमर जी, ओके। सो ये आपका बेस है, देखिए सौरभ चौधरी जी, और आपका जो लीग है वो है लेजेंड लीग। ओके, आपके पास जो क्लैन है वो लेवल 4 का, आपके पास दो हीरोज अवेलेबल है, देख लीजिए, एक है लेवल 22 का, दूसरा वाला है लेवल 23 का। भाई फ्री फायर लाइव करोगे क्या? हाँ मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ आदित्य गेमर जी, मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ, और अगर आप वो देखना चाहते हो मैं ज़रूर से खेलूँगा। कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ही मैंने फ्री फायर खेला था, एक दो दिन गैप गैप देकर मैं फ्री फायर खेलता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम का इशू है ना, मेरा थोड़ा टाइम का इशू है, उसके लिए मैं नहीं खेल पाता हर दिन फ्री फायर, तो मैं ज़रूर से खेलूँगा, आज मैंने खेला था। और अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, तो आप आके हमारा जो ये स्ट्रीम है उसमें ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद आपका आईडी दीजिएगा, मैं ज़रूर से आपको ऐड कर लूँगा फ्री फायर के अंदर, और एक ही स्क्वाड में उसके बाद खेलेंगे, ठीक है? तो वो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है वो आप ऑन करके रखिए। आई एम भाई साहब ऐसा, डोंट से लाइक दिस ब्रो, वाई आर यू गिविंग स्लैंग टू योर सेल्फ शॉन, वाई आर यू गिविंग स्लैंग्स टू योर सेल्फ ब्रो शॉन, येस ब्रो, आई एम सेइंग गुड नाइट टू आदित्य गेमर बिकॉज ही वॉन्ट टू गो फॉर नाउ, बिकॉज इट्स टू लेट फॉर टूडे। ओके सो ही इज गुड नाइट, ही इज सेइंग गुड नाइट, सो आई एम सेइंग गुड नाइट टू हिम। ओके 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 ओके, स्पेल आपके पास देखिए लेवल 7 का, व्हाट डस इट मीन? इट मीन समथिंग वेरी बैड, ओके इट मीन समथिंग वेरी बैड। स्पेल आपके पास देखिए लेवल 7 का लाइटिंग स्पेल है, लेवल 6 का आपके पास हीलिंग, लेवल 5 का रेज, लेवल 2 का अर्थ, लेवल 2 का हैस्ट। तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर, मैं बहुत देर से रुका हुआ आपके बेस के अंदर, मैंने नहीं दिखाया आपका बेस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ आपके बेस के अंदर। देखिए आपके पास आर्चर क्वीन है, उनका लेवल तो बहुत ही गजब का है, उनके पास एक स्किन भी है, और वो आइस क्वीन, और उनका नाम है आइस क्वीन उस स्किन के वजह से, ठीक है? उस स्किन के वजह से उनका नाम आइस क्वीन है, और ये स्किन बहुत ही चमक धमक रहा है, ठीक है? सो न्यूज ट्रांसलेटर भाई साहब, और एक्स भी आपके पास लेवल 4 का, ठीक है? आपके पास जो कैनन है लेवल 11 का, आपके पास जो वॉल्स है इस बेस के अंदर वो भी बहुत गजब का है, और उसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगा हमको, ऑरेंज ऑरेंज एनिमेशन है बीच में, और वो शायद लावा है, बट लावा ऐसे फिक्स्ड कैसे रहता है हमको पता नहीं ब्रो, और चमक भी रहा है लावा, तो गर्म हो जाने के बाद वो इस कलर का तो नहीं होता है, बट ये कौन सा एनिमेशन है वैसे हमको पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है वो वाला वॉल, ठीक है? और उस वॉल का लेवल भी बहुत अच्छा है। ये आपके पास है बार्बियन किंग, इनका स्किन भी बहुत गजब का है, देखिए इनका नाम इनका स्केलेटन किंग है स्किन के वजह से, और क्या ही एनिमेशन ये भी है, एकदम खतरनाक, सभी स्किन खतरनाक है हमारे, जो हमारे COC भाई साहब हमको दिए हैं, वो किंग का हो या फिर क्वीन का हो या फिर ग्रैंड वार्डन का हो, है ना? ये आपके पास आर्चर टावर देख लीजिए, ये आपने 11 करके रखा है। उसके बाद आपके पास है मॉर्टर है लेवल 8 का, लेवल 12 का कैनन है, बॉम्ब टावर है लेवल 3 का, जो 4 कर रहे हो, ठीक है? एयर डिफेंस है लेवल 8 का, एयर स्वीपर भी आपके पास होगा, हाँ ये आपका एयर स्वीपर है लेवल 5 का, CC आपके पास है लेवल 6 का, तो ये आपका बेस है। एक बार ऊपर ऊपर की तरफ से आप देख लीजिए कि आपका बेस कैसा दिखता है ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको ये देख कर कि आप बहुत सारे डिफेंस सिस्टम आपके अपग्रेड कर रहे हो, उनको और भी स्ट्रांग बना रहे हो, और आपके पास जो वॉल है वो भी खतरनाक वाले हैं। ओके तो फिर चलते हैं, बेस तो बहुत ही बढ़िया बनाया आपने, तो वापस चलते हैं। हेल मोदी जी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मोदी जी? शॉन से समथिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आई वांट टू नो दैट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम।
वी वॉन्ट टू नो ब्रो, वी वॉन्ट टू नो ब्रो, नॉट आई, वी वॉन्ट टू नो। I like his swag. Okay, you like his swag. Nice, bro, nice. And what other things do you like about him? Except swag. His swag. Don't say about it. He is a type of man who is very much OP. Swag. He is holding a nice swag. Our Prime Minister is in some other our Prime Minister is in some other level, bro. ओके तो कौन कौन अभी भी स्ट्रीम को देख रहा है हमको ज़रूर से बताइएगा। तो फिर हम बोलेंगे, उसके बाद हमारा कुछ अनाउंसमेंट है हम बोल देंगे, ठीक है। अरे ओके आपने लिखा है कि अच्छा मोदी जी इज ऑल्सो अ टी सेलर। आई लाइक स्ट्रगल या ही स्ट्रगल्ड अ लॉट लाइक मी एट दिस मोमेंट। आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई थिंक वन डे आई विल बिकेम लाइक हिम। एम आई राइट और रॉन्ग आई डोंट नो बट इट्स माई थिंकिंग, इट्स माई इमेजिनेशन।
लेट्स सी इन फ्यूचर विल आई बी एबल टू गेट इन दैट पोजिशन और नॉट और इन सम बेटर आई वांट और इन सम बेटर पोजिशन और इन सम बेटर कैरियर विल आई बी एबल टू बिल्ड अप ओके So let's go. Let's stop this stream here for today and tomorrow. Tomorrow I will start this stream from 10:30 p.m. Okay. So please do join this stream at that time. Okay. Remember this time 10:30. Okay. So let's stop this stream here. Okay, Sean. Goodbye for today. And Sean, if you have subscribed this channel, bro, please do not unsubscribe this channel. Okay. And thank you for staying in this stream for so long and for talking with this small YouTuber, for communicating with this small YouTuber. Thank you for that. Okay. And stay fit, bro. Stay fit, stay safe. And keep on clashing. और टूअर गेमिंग जी इतना देर से आप क्यों आए ब्रो? मैं तो अभी स्ट्रीम ऑफ करने की फिराक में था कि मैं जाके अभी स्ट्रीम ऑफ करने वाला था, तो आप इतना लेट से क्यों आए? और मैंने मैंने देखा कि मैविक जो है उनको मैंने ही बुलाया हमारे क्लैन के अंदर, तो कुछ बात कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे आप उनसे. हाँ 5 PM पर ऑफ मारो, मतलब 5 मिनट पर ऑफ ऑफ करो. अच्छा, ठीक है. आप क्या बोलना चाहते हो? बोली ऐसा सोमदेव जी. आप हंस रहे हो हमारे इंग्लिश सुन के. क्या ही भाई साहब, क्या ही हो. और कल कैसा लगा हम लोगों के साथ खेलने के बाद, मतलब खेल के कैसा लगा हम लोगों के साथ, हम जो पबजी खेले एक साथ. और डायनेस्टी, हाउ आर यू डायनेस्टी? एंड वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? एंड डू यू नो इंग्लिश? एंड इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम और फ्रॉम अदर कंट्री, डू लेट मी नो दैट इन विच कंट्री डू यू लिव इन. एंड डायनेस्टी, इफ यू आर न्यू इन दिस स्ट्रीम, देन प्लीज डो लाइक दिस स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. कंप्लीट दैट 400 सब्सक्राइबर गोल विच आई हैव केप्ट. ओके प्लीज. ओके आई एम गोइंग, आई विल डेफिनेटली विजिट योर यूट्यूब चैनल. बट वट इज द नेम of your YouTube channel? Bro, I will definitely subscribe your channel. Why I will not subscribe your channel? But after that you also have to subscribe this channel. Okay, you also have to subscribe this channel, bro. I want help, so I will definitely help you, but you also have to help me. Okay, I am visiting your channel from my other ID. Okay, Dynasty. Okay, I'm visiting your channel from my other ID. And are you live, bro, at this moment? Okay, bro, you have 8 subscribers. Not a problem, bro. I'm subscribing your channel. Okay, I'm subscribing your channel. And see, I'm doing a comment there. Dragoverse, my comment will be Dragoverse. Okay, do check that. Comments paro. Sohan Barik, bye bro. Aap itne time tak dekh rahe stream ko? Aap itne time tak stream ko dekh rahe Sohan Barik ji? Bahut hi gajab. Aap itna support kar rahe ho humko. Bhai saab, aap to chupe rustam ho bro. Aur bro aise support karte rahiyega. Aur aapko jo support hai humko chahiye aap logo ka. थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए भाई इंडियन पे. ओके
ओके डायनेस्टी गेमिंग, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल फ्रॉम माई अदर आई डी एंड आई हैव सेंट अ कमेंट देयर, आई पुट अ कमेंट देयर, प्लीज डू चेक दैट। और आपने बोला भाई उसको बोला था एक्टिव रहने तो प्रोमोट कर दूंगा। ओके ओके डायनेस्टी, ओके भाई उसको बोला था। ओके बाय सोहन, ओके सोहन जी गुड नाइट आज के लिए, ठीक है गुड नाइट आज के लिए। कल जरूर से आइएगा स्ट्रीम के अंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा हमको, आप तो हर दिन आते ही हो, कल भी आइएगा। ओके इस तरह सोमने से आपने ये वाला आईडी दिया, हम जरूर से दिखाते, यू हैव अ वेरी नाइस नेम। ओके कितने बजा, कितना बजा, अब बजा है दो, अब बजा है शायद 151 है इधर। अच्छा मैं आपका वो आईडी दिखाता हूँ एसआर सोमदेव जी, इनको थोड़ा सा हम वो डोनेट कर देते हैं पहला पहले, ठीक है। तो हमने उनका चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया डायनेस्टी गेमिंग जी का, बट देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं या फिर नहीं, हमको नहीं लगता कि वो सब्सक्राइब करेंगे भाई साहब। अच्छा एसआर सोमदेव जी, तो फिर चलते हैं आपके बेस के अंदर। 147 AM, हमारा मेरे इधर तो 150 हुआ है शायद, हाँ 150 हुआ है भाई। मेरा बेस देखो ब्राउन उल्फ गेमिंग, आपका ही बेस आप दिखाओगे इस वक्त, रात तो बहुत हो चुका है, मुझे लगा था कि मैं ये वाला बेस दिखा ऐसा सोमदीप जी का बेस दिखा के ये स्ट्रीम ऑफ कर दूँ, बट ये तो नहीं हो पाएगा शायद। हमारे और एक भाई साहब आ चुके हैं स्ट्रीम के अंदर, तो उसका बेस भी हमको ज़रूर से दिखाएंगे, उसका बेस भी हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो टूअर गेमिंग जी, उर्दू में लिख रहे हो या फिर जापानीज में लिख रहे हो, कौन सा लैंग्वेज है वो? अरे भाई 8 वॉचिंग है, बहुत ही बढ़िया टूअर गेमिंग जी। ब्रॉन उल्फ दीजिए, आपका आईडी दीजिए भाई, मेरा बेस देखो, ठीक है ब्रो। हाउ डू यू नो दैट आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, ये गेट अ गर्लफ्रेंड यू वैलेंटाइन मी, यू हैव अ वेरी नाइस नेम। अरे मुझको पता नहीं, शॉन शॉन टू हुम यू आर सेइंग दैट यू टू हुम यू आर सेइंग दैट यू विल नॉट रिमेन लोनली, आर यू सेइंग इट टू मी और टू सोहन बारी, प्लीज मेंशन दैट टू हुम यू आर सेइंग दैट यू विल नॉट रिमेन लोनली, आई थिंक यू विल गेट अ गर्लफ्रेंड इन योर वैलेंटाइन वीक। हाँ यार डार्क गेमिंग जी आप फिर से आ गए भाई साहब, आप सोने क्यों नहीं जाते, सो जाइए जाके, हम भी अभी स्ट्रीम ऑफ कर देंगे कुछ टाइम के बाद, 2-3 मिनट के बाद, ठीक है। आई एम सेइंग टू सोहन, ओके अच्छा आपका कमेंट हम पढ़ लेते, सॉरी भाई मैंने बोला 8 वॉचिंग, हाँ, हमारा तो 8 वॉचिंग आया है। ओ भाई साहब इस लैंग्वेज पे आपने लिखा है 8 वॉचिंग, क्या ही करते हो भाई साहब, कुछ अलग ही लिखते हो, ऐसा मत कीजिए हमारा दिमाग घूम जाता है। कमेंट्स पर हाँ आई एम सही, अरे भाई साहब आई जस्ट गेस्ट, ओके ओके मैं आपका भी बेस दिखाता हूँ, ठीक है आपका बेस दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए ऐसा सोमदेव जी। ओके आपने दिया है आपका आईडी, थोड़ा सा रुक जाइए, आपका जो नाम है देखिए, आपका क्लैन का नाम है कोलकाता किंगडम, बहुत ही गजब का, आप तो कोलकाता में रहते हैं उसके लिए। और ब्राउन उल्फ गेमिंग जी मैं आपका दिखा रहा हूँ, ठीक है मैं आपका बेस दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये हमारे भाई साहब है टाइटन लीग में, इनका ऑल टाइम बेस्ट है लेजेंड लीग, ठीक है। इनका नाम इधर राजीव मित्रा है, बहुत ही बढ़िया, हमारा नाम है शौविक मित्रा, राजीव मित्रा, क्या ही ब्रो क्या ही। और यू आर सो नाइस, थैंक यू भाई साहब, सोहन जी आपको बोल रहे, सोहन जी आपको बोल रहे कि यू आर सो नाइस, बहुत ही गजब। और ऐसे ही अच्छा वाला एनवायरनमेंट बना के रखिए, सोहन जी बहुत ही ओपी वाले बंदे हैं, 24 लाइक और 4 डिसलाइक, सो सैड। हाँ 4 डिसलाइक भी हुए हैं हमारे चैनल के अंदर, कुछ बंदे ऐसे आए थे जो गाली दे रहे थे स्ट्रीम के अंदर आके, तो उसके लिए मैंने उनका बैन कर दिया और वो डिसलाइक देके चले गए। और हीरोज़ देखिए इनके पास 4 हीरोज़ अवेलेबल है, चारों के चारों ही पूरी तरीके से मैक्स करके रखा है ऐसा सोमदेव जी ने, मतलब राजीव जी ने, ठीक है। इनके पास ट्रूप जी बहुत सारे हैं, ठीक है सभी के सभी पूरी तरीके से मैक्स है, क्या ही बोलूँ इस ट्रूप के बारे में, क्योंकि अगर मैं बोलना चाहता हूँ बट फिर भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ मैं दिखाता हूँ ना आपका बेस दिखाता हूँ बेनो गेमिंग की, इसके बाद मैं आपके बेस के अंदर ही जाऊँगा। स्पेल आपके पास देखिए सभी के सभी अवेलेबल, सभी के सभी मैक्स है, सेज मशीन भी सभी के सभी अवेलेबल है, कुछ एक सेज मशीन को छोड़कर सभी के सभी मैक्स आउट है, ये आपका बेस है, ठीक है।
बहुत ही गजब का बेस अपने बनाया है, मॉर्टर लेवल 13 का, इक्लर्टर लेवल 4 का, इन्फोनो टावर लेवल 7 का, उसके बाद एयर डिफेंस लेवल 11 का। भाई प्लीज़ देख दो गुरुदेव आईडी, ओके गुरुदेव लेवल 14 का। आपके पास वॉल है लेवल 7 का, एयर स्वीपर है, आपके पास आर्चर क्वीन है, ये देखिए आपके पास आर्चर क्वीन। ओके शॉन जी गुड नाइट, आज के लिए कल फिर से आइएगा। इन्फोनो टावर आपके पास है लेवल 7 का, कैनन है लेवल 19 का, ठीक है तो फिर चलते हैं। ये आपके पास है रॉयल चैंपियन जी, उसके बाद ये आपके पास बाबिन किंग जी, ठीक है ये आपके पास ग्रैंडन का स्किन बहुत ही ओपी है। तो फिर चलते हैं, तो आपका बेस तो हमने दिखा दिया, थोड़ा जल्दी में ही दिखाया आपका बेस, सॉरी उसके लिए। और आपका जो आईडी है ना वो भाई साहब यूट्यूब के अंदर तो आया ही नहीं, हमको फिर से नोट करना होगा इधर। ये एक पंगा हो जाता है जब यूट्यूब के अंदर नहीं आता। QPRGCYJ28। अच्छा तो चलते आपके बेस के अंदर, मैं आप लोगों का जो कमेंट है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाए, सॉरी उसके लिए। तो हरबरी में मैं आपका बेस दिखा दिया है सर सोमदेव जी, कुछ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि लेट बहुत हो चुके हैं हम, और स्ट्रीम को भी हमको ख़त्म करना है, अगर स्ट्रीम को ख़त्म नहीं करें तो हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा तो ये आपका होम विलेज है, क्या ही बनाया है ब्रो, कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे ना आप, शायद बहुत कम खेलते हो है ना। कोई नहीं, हु आर यू बट थैंक यू भाई शॉन भाई सोहन भाई, गुड नाइट। ओके भाई प्लीज़ देख लो, हाँ मैं आपका ये बेस दिखा रहा हूँ, देखिए सोमिक भाई ये शॉन कौन है, शॉन एक नए सब्सक्राइबर है हमारे, आज ही ज्वाइन हुए हैं, आज ही ये स्ट्रीम देखना चालू किया इन्होंने। और ट्रूप्स इनके पास देखिए 6 ट्रूप्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है 6 ट्रूप्स इनके पास अवेलेबल है। और किसी उन ट्रूप्स के बारे में हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि उनका लेवल कितना है, उनका पावर कितना है, ठीक है देख लीजिए इनका ट्रूप का सेक्शन। इनके पास जो जायंट है वो लेवल 2 का है, गॉब्लिन है लेवल 1 का, लेवल 2 का इनके पास बॉम्बर लेवल 1 का, आपके पास लून है यूज़, उससे कैसे पता चला भाई, अरे वो गेस किया था उन्होंने, गेस किया था ऐसा कुछ नहीं, जस्ट गेस था, उनको श्योर पता नहीं है कि आपका गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। स्पेल आपके पास है लेवल 1 का, उसके बाद आपका जो लीग है ब्रोंज लीग है, आपके पास जो क्लैन है उस क्लैन का लेवल 1 है भाई साहब, आपके पास जो एक्सपी है वो भी अच्छा है, बट इस टाउनल के मुताबिक उस एक्सपी वो वाला जो एक्सपी आपके पास वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपके बेस के अंदर चलते हैं, आपका बेस कैसा देख के आते हैं, बेस बहुत ही अच्छा बनाया है, परफेक्ट बनाया है, और बेस के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स है जो हमारे बुशेस रहते हैं ट्रंक्स रहते हैं वो नहीं है इस बेस के अंदर, मुझे लगता है वो साफ करके आपको बहुत सारे जेम्स मिले होंगे, तो उन सारे जेम्स को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है आप कलेक्ट कर लीजिएगा, और उन सारे जेम्स को यूज़ करके आप एक कोई सा भी एक स्किन परचेस कर सकते हो, तो बाद में कर लीजिएगा वो वाले स्किन को परचेस, ठीक है। तो देखिए आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्यूट वाला बेस है, आर्चर टावर के पास लेवल 1 का है, लेवल 1 का विजर्ड टावर है, उसका लेवल 2 का, वाह ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, वो है अंतर्यामी जी, उन वो एस्ट्रोलॉजर है हमारे, एस्ट्रोलॉजर है होता है ना एस्ट्रोलॉजर, तो वो है हमारे शॉन जी। कैनन इनको लेवल 2 का सब्सक्राइबर, नाइस आपके लिए ओके 312, हम देखते कब जाके हमारा वो गोल कंप्लीट होता है 400, अगर जल्दी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, और आज उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होता अगर वो चार बंदे जो डिसलाइक किए हैं, अगर वो चार बंदे अच्छी तरीके से आते और हमारे साथ अगर बातें करते अच्छी तरीके से और सब्सक्राइब करके रखते तो अब शायद 316 होता। अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ ना आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, उससे कैसे पता चला भाई, मैंने तो पढ़ा ना ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन 312 सब्सक्राइबर, नाइस आपके लिए और सब्सक्राइबर के लिए। हाँ उसके बाद आपने लिखा लव शब ऐसा लिखा, भाई स्ट्रीम अभी ऑफ ही कर दो, हाँ करते आपका बेस मतलब इनका बेस दिखाने के बाद हम स्ट्रीम ऑफ कर देंगे, ठीक है ओके देख लीजिए एक बार से ऊपर से देख लीजिए इनका बेस, और इधर छोटा सा एक बिल्डर बेस है, उसके बाद बैरक है लेवल 4 का, ठीक है देख लीजिए CC है लेवल 2 का इनके पास, बहुत ही प्यारा सा बेस है इनके पास, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही सजेशन दे सकता हूँ कि
और थोड़ा सा खेलिए और थोड़ा अटैक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन वॉल्स को भी आप अपग्रेड कीजिएगा और डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड कीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ आप टाउन हॉल को भी कीजिएगा। आपको सभी के सभी, आपके पास जो डिफेंस सिस्टम है, टाउन हॉल है, वॉल्स है, सभी कुछ आपको अपग्रेड करना होगा, नहीं तो नहीं होगा ब्रो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। फ्यूचर में आपका जो बेस है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो अब कर लीजिएगा उन सारे चीज़ों को, उन सारे अपग्रेड को, ठीक है। सो भी भाई सो जाओ, इतना मत जागो, यही तो हमारा काम है। मैं आप लोगों के लिए जगता हूँ, जाग जाग के स्ट्रीम करता हूँ। और कुछ बंदे इसको वैल्यू नहीं करते, कुछ बंदों को लगता है कि हम इधर मजाक कर रहे आके, और वही बंदे गाली देते आके, और वही बंदे डिसलाइक भी करते हैं। और आज वही हुआ था, देखिए ऊपर आपको शायद दिख जाएगा, अच्छा आपको शायद नहीं देगा क्योंकि आप तो स्ट्रीम के अंदर नए आए हो ना शायद। अच्छा ऐसा सोमदेव जी, अगर आप अभी भी स्ट्रीम के अंदर हो तो हमको ज़रूर से बोलिएगा, ठीक है। ऐसा सोमदेव जी, अगर आप अभी भी स्ट्रीम के अंदर हो, स्ट्रीम को अगर देख रहे हो, हमको ज़रूर से इन्फॉर्म कीजिए। ओके सुवान जी, गुड नाइट। टू आर गेमिंग जी, मैं अभी जाता हूँ, स्ट्रीम ऑफ करता हूँ, और देखते हैं ऐसा सोमदेव जी कुछ रिप्लाई देते हैं या फिर नहीं, नहीं तो फेस गंदा हो जाएगा। रो मत, सबकी जलता है तो जले तो। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। कई बोलो, आप लोग सपोर्ट बना के रहिए रखिएगा तो हमारे लिए वही काफ़ी होगा, क्योंकि हमको चाहिए कुछ ऐसे बंदे जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमें जो हमको पसंद करते हैं, वो बंदे हमको चाहिए इधर स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे। अच्छा आप प्रेजेंट हो तो फिर से चलिए, आपका बेस थोड़ा सा दिखा देते हैं और एक बार से। अच्छा इन्होंने कुछ चैट किया था बट वो नहीं आया इधर। अच्छा आपको तो बेस दिखा ना ब्राउन वुल्फ गेमिंग जी, मैंने आपका बेस दिखाया ब्रो, क्या हुआ ब्राउन वुल्फ गेमिंग जी, आप फिर से बोल रहे हो आपका बेस दिखाने के लिए, मैंने तो आपका बेस दिखाया ब्रो। ब्रो आज के लिए इतना ही, मैं और नहीं दिखा पाऊँगा आपका बेस, सॉरी ब्रो, आपका बेस मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। अच्छा, कोई बात नहीं, आई एम ओनली ट्रॉलिंग। अरे नहीं इतना बहुत है। ओके ओके ओके, तो ऐसा सुंदीप जी आपका जो बेस है वो मैं हर बड़ी में दिखा दिया था, ठीक है। मैं आपका बेस और एक बार दिखा देता हूँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपका जो बेस है वो मैं इतना जल्दी जल्दी दिखा दिया, ये हमको बहुत ही ख़राब लगा। उस टाइम पे वॉचिंग अच्छा आ रहा था ना, उसके लिए मैंने आपका तो बेस ऐसे ऐसा ही थोड़ा टफ वाला था, बहुत अच्छा था आपका बेस, उसके लिए मैंने और ध्यान नहीं दिया आपका बेस को। और इस वक्त आपका बेस और एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और उस वक्त वॉचिंग अच्छा आ रहा था और उनका बेस, उसके लिए मैंने दिखा दिया। उस टाइम पे मैंने देखा कि उनका बेस थोड़ा सा वीक सा है और उनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए उनके बेस को, तो उसके लिए उनका बेस मैंने दिखा दिया। और एक बार मैं आपका बेस दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रीम को ऑफ करते हैं। कोई बात नहीं, बेस नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टाइम है। अरे ठीक है ब्रो, देखिए आपका ट्रूप सेक्शन सभी तो मैक्स है ही आपके पास, और क्या ही बोलूँ इन ट्रूप्स के बारे में, आपके बेस के अंदर चलते हैं। ओके ये है आपका बेस, आपके पास ये ग्रैंड वार्डन है, इनका स्किन बहुत ही ओपी है, पार्टी वार्डन इनका नाम, ग्रैंड वार्डन चचा जी है हमारे, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आपके पास जो बार्बिन किंग है वो भी हम दिखा देते हैं, गूगल नाइट गूगल जी भी हमको गुड नाइट बोल रहे हैं। एक्सबो आपके पास लेवल एट का आपके पास बॉम टावर, और चॉकलेट डे तो है आज, आप लोग हमको चॉकलेट नहीं दोगे क्या? चॉकलेट वैसे हर बंदे को पसंद है, क्योंकि चॉकलेट का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, बहुत
और चॉकलेट को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं, मतलब क्या बना सकते हैं, बहुत सारे केक्स बना सकते हैं हम, चॉकलेट केक जो होता है, उसके बाद वो जो एक एक टाइप का कॉफ़ी आता है ना, शायद वो भी उससे बनता होगा। आर्चर टावर है आपके पास लेवल 19 का, मॉर्टर लेवल 13 का जो आपने गियर अप करके रखा है, बहुत ही बढ़िया। वर्कशॉप आपके पास है लेवल 3 का, सॉरी लेवल 5 का। ओके, एक्स भाई आपके पास देखिए लेवल 8 का, और टाउन आपके पास लेवल 13 का, वो आपने पूरा पाँचों का पाँचों स्टार ही आपने अचीव कर लिया उस टाउन हॉल के अंदर। और आशा टावर के पास लेवल 19 का है, और विजर टावर जो आपने अनलॉक करके रखा है उनका लेवल हुआ लेवल 13 का, और उसके बाद कैनन है लेवल 19 का, ठीक है, वो भी आपने गियर अप करके रखा है, बहुत ही बढ़िया। एयर डिफेंस है लेवल 11 का, तो फिर आपके पास जो वॉल है, वॉल का लेवल भी बहुत धासु है भाई साहब, लेवल 14 का वॉल है। तो ये है आपका बेस, तो फिर चले एट लास्ट मैंने आपका जो बेस है अच्छी तरीके से दिखा दिया। ओके, तो फिर चलते हैं वापस। और डायनेस्टी जी, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया ब्रो, आपके पास 8 सब्सक्राइबर है, देख लीजिए, आपके पास अब इस टाइम पे शायद 9 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और स्ट्रीम के बाद मैं आपका चैनल फिर से जाके सब्सक्राइब करता हूँ हमारे और भी आईडी से, ठीक है, हमारे और भी अकाउंट से मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ। एंड डायनेस्टी, इफ़ यू हैव ए सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, प्लीज़ सपोर्ट दिस गाय, सपोर्ट दिस स्मॉल यूट्यूबर, एंड आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब योर चैनल डायनेस्टी, चेकआउट दैट यू हैव कम्प्लीटेड योर 9 सब्सक्राइबर, एंड आफ्टर आई कम्प्लीट दिस स्ट्रीम, आफ्टर आई एंड दिस स्ट्रीम, आई विल डेफिनेटली गो एंड इंक्रीज टू मोर योर सब्सक्राइबर, आई विल इंक्रीज टू मोर ऑफ योर सब्सक्राइबर बाई सब्सक्राइबिंग योर चैनल फ्रॉम माई अदर आई डीज, ओके, ले लो चॉकलेट केक और कॉफ़ी। अच्छा, ओके ओके, तो फिर टूअर गेमिंग जी और एसर सोमदेव जी और हमारे जो और भी व्यूअर्स, हमारे जो प्यारे से सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं स्ट्रीम को, मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ गुड नाइट आज के लिए, कल फिर से मिलते हैं, ठीक है, 10:30 बजे को या फिर 11 बजे को। तो फिर आज के लिए गुड नाइट, स्टे फिट स्टे सेफ और कीप ऑन क्लैशिंग भाई लोग। और कल का आपका दिन है, आप लोगों का जो कल का दिन है वो बहुत ही ओपी जाए, और थैंक्स टूअर गेमिंग जी देने के लिए चॉकलेट। तो फिर चलिए स्ट्रीम को ऑफ करते इधर।